हर साल माता का जगराता करवाने वाले सांडिल्य परिवार लड़िया वाले का हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। ये और जेड ब्लैक अगरबत्ती वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने 50 फीट की माता रानी की प्रतिमा बनवाई। ओ अद्दा शीशा खुले नील गड्डी दा। पहली बार देख रहा हूँ सरदार शेर। ओ सरदार सारे शेर ही होंगे ने। गल करता जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माता के सच्चे भगत और गजब के फनकार हमारे चिरंजीवी पर्सनल सुपुत्र श्री करम कुमार मथुरा वाले का जोरदार तालियों से स्वागत। When you hear the rhythm, start to move. बेटे बस एक काम तो साध ले बेटे भीतर मस्ती बाहर शोर है दया है उसकी तेरा दौर है मूनलाइट भी तेरी और है आ माइकल बन जा आज गली अपनी डांस फ्लोर है नाच रे बेटा नाच 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 आज तुम्हारे बोलने में साक्षात आए जागरण करने के लिए फिर भी लेट एंट्री मिस कर दी हमारी। सुनो आई लव यू। आई लव यू टू। बच्चे तो चाह रहे मेरे लेकिन सच्चा तेरा आज तक नहीं मिला। क्या कर रही हो आंटी? हाँ तुम्हारे इशारे तो मैं पहले ही समझ गई थी और माता रानी ने आज मेरी सुन ली। चलो भाग चले। नहीं 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 तुम्हें इशारे नहीं कर रहा था मैं। तो किसको कर रहे हो? गर्लफ्रेंड हमारी। धोखेबाज। हटना बेटी। क्या था ये सब? पता नहीं आंटी कौन थी। तुम्हें बुलाया वो आ गई। अच्छा सुनो साल भर से ऊपर हो गया हमें मिले हुए। पता है। पापा से शादी की बात करोगी हम अखबार में छपा दे? अरे कर लेंगे। तुम्हारे पापा कहाँ मरे जा रहे हैं? मतलब भागे जा रहे हैं। अच्छा कम यार कोई देख लेगा। आओ ना। अरे क्या कर रहे हो करम? जे जागरण अचानक बंद कैसे है गो? हेलो।
एक सेकंड, तुम अब तक सो रहे हो? यहाँ कल रात हम सो नहीं पाए। इतना मिस कर रही हूँ मैं। मिस तो पापा करे थे तुम्हें, हमने पापा को सारी बात बता दी, कब मिले, कब प्यार हुआ वगैरह वगैरह वगैरह। मैं काका बता दो, हमारा दिमाग खराब मत करो, पापा पहुँचने वाले होंगे तुम्हारे घर, शादी की बात करने आ रहे हैं। शादी की बात करने? शादी की बात करने? कह के तुझे ही निकले थे, बाकी का पता नहीं। अब उठो और नाश्ते की तैयारी करो। अरे जो बाप अपनी बेटी के ससुराल का पानी तक ना पीते, जो उनमें से ना है। और सुनो, काजू किशमिश बादाम फ्रूट सब रखना नाश्ते में। चने मूंगफलियां मत रख दियो। और हाँ, चाय एक जैसे कपों में रखना, अलग अलग रंगों की नहीं। और सीन तो पास ही रखे। लगता है बहुत सालों से मरम्मत नहीं हुई है इसकी, बहुत पुरानी हवेली लग रही है। जी जी जी, हमारे बाप दादा के जमाने की है। हमारे बेटे चिरंजीवी कर्म ने कितनी बार हमसे कही कि पापा किसी आलीशान हवेली में शिफ्ट कर ले, लेकिन हमें नहीं माने। क्यों? है ही नहीं। आज पैसा लेना है इससे, बहुत बेवकूफ बनाता है। जगजीत जी। राधे राधे। राधे राधे। मेरे पैसे दे दियो, दे दियो। कब? हमें कछु जल्दी ना आए। अरे हम देने नहीं, लेने आए हैं। एक रुपया नहीं मिले वो, पहले की उधारी पहले चुकाओ। हम मेहमानों के सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहते, समझा करो यार। ये तो परी ने मुझसे रिक्वेस्ट की, इसलिए तुम्हारा ये घर देखने चला आया। ना तो तुम कोई जॉब करते हो, ना तुम्हारी कोई जमीन जायदाद है, और बैंक बैलेंस के नाम पे तो नील बटे डबल सन्नाटा है। कैसे सोच के चली है तुमने कि पापा की परी मिल जाएगी? प्यार आपकी नजर में कुछ नहीं अंकल। कुछ से नहीं, सोच के बोलिए, रैपिड फायर थोड़ी खेल रहे हैं। अच्छा, सोच के बोलना है। नहीं भैया, ये कप के रंग अलग अलग क्यों है? एक कपों की रंगल दी है बेटा। ये सब क्या है? चलिए, क्या चल रहा है? कौन कौन है? कौन ये लोग? क्या रास्ता पानी चल रहा है? तुमने जो इस घर के बदले 40 लाख रुपए बैंक से लोन लिए थे ना, पहले वो वापस देना, उसके बाद घर वापस आना, समझे? 40 लाख का फ्रॉड? भाई साहब, बात ऐसी हैगी कि जे घर गिरवी रख के जो लोन लाओ तो बात तो कोरोना के जरूरतमंदों में बांट दो। अच्छा, मुझसे जो 1 लाख रुपए लिए वो भी कोरोना में बांट दिया? बिल्कुल। हमारे तो चाय के कप भी इन्होंने उधार ले रखे हैं। अरे रे रे रे, दहेज की बात हो गई क्या? अरे दहेज की बात मत करो, पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे इसने कहा था कि आपकी बेटी के साथ जो दहेज आएगा उससे हमारा उधार वापस करेगा। पूछो इनसे, कही थी कि नहीं कही थी? रिश्ता इस घर से, जिनका कोई घर ही नहीं है। अंकल अंकल अंकल, कोरोना के टाइम पे सारी दिक्कत होगी, उससे पहले पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, जगराता माता रानी का काम है न माने, लेकिन जगराता जॉब है, ये जॉब है। आसान लगता है आपको जगराता कर रहा? मोहम्मद रफी से मोहम्मद अजीज तक, जगजीत सिंह से अरिजीत सिंह, किसी ने जगराता नहीं किया। इंटरनेशनली जस्टिन बीबर, शकीरा, BTS, इतना टैलेंट नहीं है कि जगराता कर पाए। करोड़ों रुपए लेकर 2-4 गाने गाना आसान है, लेकिन 3100-3200 में 15-20 भजन बेंटे मोहल्ले की औरतों को लेकर लेडीज डांस करना आसान नहीं होता श्रीवास्तव साहब। और चप्पल चोरी हो जाती है वो अलग। जगराता करने का आशीर्वाद माता रानी हम जैसे चंद किस्मत वालों को देती है। नहीं जी, ऐसी मान किस्मत वाला दामाद नहीं चाहिए मुझे। चलो, सच्चा प्यार किया आपकी बेटी से, सच्चा प्यार, ट्रू लव। देखो, अच्छी नौकरी, बैंक अकाउंट में 25-30 लाख रुपए और स्वयं का घर, ये अगर कर सकते हो तो करके दिखाओ 6 महीने में, बाद में बात करेंगे। चलो, रोड़ी चल रहा है यहाँ पर, टास दे रहे हो मुझे। 6 महीने में नौकरी नहीं मिलेगी श्रीवास्तव साहब। अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो हम भगवान को ढूंढ लेते हैं। नहीं, आप रहने दीजिए, जितनी आपकी उम्र है इस टाइम तो भगवान ढूंढ रहे होंगे आप। चल, बासी चने और सिंह खाते ही पता चल गया था। चलो भगा यहाँ से। सुना ही घर है अंकल जी। मतलब ही अरे करम, तुम लोग आ गए हो क्या? हुआ, फिर से कोई घर पे ताला मार के चला गया? ना ना बेटा, हम इतने से गुजर रहे हते तो हमने सोची कि 25-50 दिन तुम्हारे घर पे निवास कर लेते हैं, तुम्हें पुण्य को लाभ भी मिल जाएगा। राधे राधे। समझ गया। आओ आओ, खबरदार, जो इनको अंदर लेकर आया तो। हाँ, इनके कदम पता कितने लकी हैं। आगरा में नया होटल खुला है, उसके लाउंज एंड बार का मैनेजर लग गया हूँ। हाँ, तो फिर इनको उसी होटल में ले जाना, अगर ये अंदर आए तो इन्हें मेरी लाश पे से गुजरना होगा, समझ रहा ना तू? मैं इनको अंदर नहीं जाने दूंगा। ना, मैं तेरी बातें नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा।
बेटा तेरे बाप का टेरर ही इतना है। ओ अंदर गए। बच गए। ये रानी पकड़ में ना आ रही, ना लाइफ में ना कैरम में, और 25 लाख का जुगाड़ अलग। भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है यार, मैं हूं ना, ये देख तू साला बहुत शेख की औलाद है। शेख की औलाद? तुमने नहीं बताया कि सरदारों में भी शेख होते हैं? हम मजाक कर रहे हैं यार। अच्छा मजाक था, बता दिया करो ना, कम से कम इंसान हंस ले। चुपे परी। अचानक यकायक पापा ने कहा ना कि अकाउंट में 25 लाख चाहिए। तंतरान ये पान कौन थूक गया? इसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं। उए, ये आम के छोटे छोटे मुंह निकले हुए हैं, दशहरी है ये। हाँ मतलब बेबी आई डिड नॉट न्यू कि तुम पेंट भी करती हो। बेबी पता तो है, राइटिंग डांसिंग सिंगिंग के अलावा मुझे पेंटिंग का कितना शौक है। बड़े बड़े पेंटर्स जैसे MF हुसैन साहब, उनका एक बनाया हुआ घोड़ा ना 25-30 लाख का बिक जाता है। तो मैंने 4-4 घोड़े बनाए, 10-15 लाख में तो बिक ही जाएंगे। ओ, अच्छा, पर 5-7 लाख में तो असली घोड़ा आ जाता है, वो भी प्रॉपर साउंड के साथ। बात क्या कह रहे जी? अरे कुछ ना कह रहा हूँ बेबी, मैं तुम्हारे टैलेंट की कदर करता हूँ। तुम्हें अपने घोड़े बेचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जॉब ढूंढ लूंगा ना। 400 रुपया की एक बियर? ये बियर अंगूर की है, नारंगी की है कि महुआ की? अरे फ्री की है, गटक लो। Cheers guys, रिपीट कर दो। अबे ये क्या है रोहित, नोट फेंक रहे हो इतने सारे? भाई ये तो कुछ नहीं है, यहाँ लोग अपनी गोल्ड की चेने, अंगूठियाँ, स्कूटियाँ सब लुटा देते हैं। इनको पैसों की कमी नहीं है, कमी है तो बस प्यार की, अपनेपन की। किसके पास बीवी नहीं है, किसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, किसके पास दोनों है बताओ। और कुछ बुढ़े तो सिर्फ आग सेकने आते हैं। वो देखो सामने, शक्ति बिल्कुल नहीं बची, लेकिन शक्ति का पूर पूरा बचा है। मैं नहीं बनूंगा बार डांसर। फिर वही बात यार, 2 बार वैष्णो देवी, 2 बार गोवर्धन जाकर मन्नत मांगी इन्होंने कि लड़की पैदा हो, वो है गए हम, उसको भी लड़की बना दियो। अब तुझे क्या लड़की, मैं अपने शौक पूरे करने के लिए बना रहा हूँ, तेरी लाइफ ही सेट हो जाएगी। अरे ऊपर ना कर। ठीक है अच्छा, 3000 पर नाइट और टिप का पैसा अलग, 8-10 हजार डेली का है यार। और अगर कस्टमर्स को तेरी अदाएं पसंद आ गई, जो कि आएंगी, 20-25 हजार पर नाइट तक भी जा सकता है मामला। और जो पहली बार नहीं बनोगे तुम, बचपन से ही तू कभी सीता, कभी राधा, कभी द्रौपदी, कभी पारो बनते रहो। तो बचपन में नाटक मंडली में था, हॉबी थी हमारी। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी हॉबी उनकी जॉब बन जाती है। इस दिन के लिए पढ़ा लिखा था तुमने? हमें बार के पेमेंट का आइडिया ना है तो बेटा, वरना हम तुम्हारी पढ़ाई पे 1 रुपया खर्च नहीं करते। कैसो बाप है, कैसो बाप है, मुझे पैदा होते इसका गला घोड़ देना चाहिए था। मैं ना बन रो लड़की, चाहे जो मर्जी हो जाए। अरे बेटी, बेटी, अरे ए करम, ए लल्ला, ले बेटा बात करो। कौन है? क्रेडिट कार्ड वाला। अरे अरे 3-4 महीने से बिल नहीं भरो, 6-7 बार फोन कर चुके बेटे बाप को, बात करो। हेलो हेलो, अरे मैं लेना देना बैंक से टाइगर पांडे बोल रहा हूँ। ये आपको इतने कॉल किया, आप कॉल क्यों रिसीव करते हो? टेल मी नाउ। हेलो, आई एम 36 24 36, रंग साफ, कद 5'9", कटीला बदन, सेमी अट्रैक्टिव, 24 साल की उनकी जवान बीवी बोल रही हूँ। मैडम आपकी आवाज और फिगर एकदम कड़क है, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? Because the nation wants to know, इतने सारे फीचर्स होने के बावजूद भी एक पति अपने पत्नी को छोड़कर कैसे जा सकता है? क्या? कहाँ गए आपके पति? I don't know, एक हफ्ते से घर नहीं आए। काश मैं विधवा होती, पता तो रहता पति कहाँ गया है। देखिए आपके पति ने ना वो क्रेडिट कार्ड का बिल 3 महीने से भरा नहीं। एक हफ्ते से मेरे मांग में सिंदूर नहीं भरा है, तुम्हें बिल की पड़ी है, समझ नहीं आ रहा कौन भरेगा। देखिए आप बुरा न माने तो मैं आपकी मांग भर देता हूँ। मांग भरने के लिए तो पूरा मोहल्ला पड़ा है, बिल कौन भरेगा? अरे आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं एडजस्ट करवा दूंगा वो। आर यू सीरियस? अरे
By the way, what's your name? टाइगर टाइगर पांडे टाइगर पांडे नाम से ही लगता है क्या पर्सनालिटी होगी आपकी लंबे बाल टॉल डार्क हैंडसम होलसम उफ जी बस उसी के आसपास समझ लीजिए वैसे आपको मेरी कभी भी जरूरत पड़े चाहे दिन में क्यों ना पड़े याद जरूर कीजिएगा I'm just a missed call away हेलो हेलो बा बेटा बा 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 बेटा तू अपनी इस आवाज से श्रीलंका तक को लोन माफ करवा सके लल्ला भाई 10 जगह ट्राई किया नहीं मिली नौकरी समझ गया पापा को 2-4 दिन में बुला लूंगा तू 5 मिनट रुको मैं बुलाया जल्दी आइयो अरे तुम तैयार नहीं हुए अरे कभी कभी ट्रेन टाइम पे आ जाती है चलो करम ये बेच लो अरे फिर से पेंटिंग्स फिर से पेंटिंग्स इससे पीछे से कुछ ना होगा माना पैसे की किल्लत चल रही है पर मैं कर लूंगा जुगाड़ अपने बलबूते पे करम इसमें पेंटिंग्स नहीं है ज्वेलरी है एक ज्वेलरी का काम बचा था वो भी शुरू कर दिया अरे वैसे ही देखो श्रीवास्तव सुनार बनते अच्छे ना लगते चलो करम गाय इसमें हमारी माँ की ज्वेलरी है मेरी माँ हमेशा कहती थी कि एक अच्छे लड़के से शादी करना और ये ज्वेलरी पहनना पर मैं जानती हूँ ना कि अगर मेरी माँ यहाँ होती तो वो ज्वेलरी और अच्छे लड़के में से अच्छे लड़के को चुनती इसे तुम ये बेच के पापा की सारी शर्तें पूरी कर देना हम बाकी शादी नहीं करेंगे तो हमारा रिलेशनशिप के लिए माँ की ज्वेलरी बेचने को निकली थी मिडिल क्लास लड़कों में अलग ही क्लास होती है कोशिश पूरी करते हैं और अति जुगाड़ू होते हैं करेंगे कोशिश तुम्हारे पापा की एक शर्त मानने की ज़्यादा इंग्लिश क्यों झाड़ रहा है? अबे मालिक को बुला। अबे साली तू? मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। चेहरे पे नजर जाएगी तो पहचानेगा ना? इसलिए तू तो बोल रहा था तू लड़की नहीं बनेगा नहीं नहीं अब क्या हुआ? मजबूर आदमी क्या क्या नहीं करता। पहली बार संतरे वाले से मैं रेट की बजाय साइज पे बहस करके आया हूँ। बहस तो सही की है। मैं तू अपने मालिक को बुला रही। हाँ आता ही होगा। लो आ गया। ये ओनर है। कमजोर पप्पी लग रही सोना भाई और साजन तिवारी दो बच्चे और 4 बार के मालिक हैं हल्के में ले रहा दूध पी के सो जा चल बस हाँ पकड़ ले सर शाम की नमस्ते नमस्ते सर ये पूजा है मेरी जानने वाली लॉकडाउन में जिन बिचारियों की नौकरियां गई है ना उनमें से सबसे बड़ी बिचारी यही ओ माँ बचपन में गुजर गई थी और बाप अभी आपके पीछे से गुजरा है ये नमस्ते नमस्ते जी हमारी बेटी इसने कही कि आपके ऑफिस में डांस गर्ल की जरूरत है तो हम इसे लेके आ गए जी बाबूजी आपने बहुत सही कही देखो वैसे तो हमारे यहाँ डांसर्स बहुत अब जी बताओ जामे कहाँ खास है अंकल जी ये फिरंगी है आजादी के पहले भी इनको आप देख रहे हो
लेकिन ये मेड इन इंडिया है, देसी है और बहुत अच्छा गाती है और बरसों ऑल इंडिया रेडियो पर नाचती रही, इसलिए बहुत अच्छी डांसर भी है। अच्छा ये एक्चुअली स्मार्टफोन से ज्यादा फीचर्स ऊपर वाले ने मुझ में दिए हैं। मैं कस्टमर से वो नोट भी निकलवा लूंगी जो ये बारगर्ल्स नोट बंदी में भी निकलवा नहीं पाई। आप बस एक चांस दे के देखिए, दिखाओ बस दिखाओ। इश्क के चपारे पे बैठी हूँ तैयार, अरे क्या करूँ अकेली मेरे सैया जमना पार। इश्क के चपारे पे बैठी हूँ तैयार, क्या करूँ अकेली मेरे सैया जमना पार। भिजला गुलाबी सा लम्हा लम्हा जैसे शराबी सा। हाय तेरे संग है मौसम गुलाबी सा लम्हा लम्हा जैसे शराबी सा। हदों में रह के ना कर मोहब्बत तू, इश्क होने दे बेहिसाबी सा। रुके रुके से दिल की बढ़ जाने दे रफ्तार, जैसे मैं हूँ तो भी अब हो जा बेकरार। जरा सी दूरी भी मुझको लगती too much far, too much fire. If you are my yaar आजा कर ले मुझसे प्यार। If you are my yaar आजा कर ले मुझसे प्यार। अगर तूने नहीं आना तो ले चल मुझको जमना। क्या मनु सुरंग लगा कर आए हो? अरे 5,000 खर्चा किया गोल्डन कराने में। ना मुरादो, 5,000 में तो असली सोना लग जाता। ये क्या तांबा चिपका कर आए हो? आज से सारे रीति रिवाज फॉलो करने हैं। 5 वक्त की नमाज, जुम्मे की नमाज, कुर्ता पजामा और सर पे टोपी। चचा लगे आज निकाह भी करवा दो। क्या बोला? सारे प्रॉब्लम आपको हम मासूमों में नजर आती है बस। नो चैट्स, गलत बात है ये। चैट? मैं तुम्हारा चाचा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप? तुम अगर मेरे मरहूम भाई के बच्चे नहीं होते ना तो गलत इल्जाम लगाकर तुमसे जेल में चक्की पिसवाता। ये सकीना ने भी तो करा रखे हैं, देखो। हाँ, इसको क्यों नहीं बोलते हो? अरे सकीना कल बच्चा पैदा करेगी, तुम करोगे? एक ही है जिसकी वजह से मेरे खानदान की इज्जत बची हुई है। लुट गई अबू जान, आपकी इज्जत लुट गई। प्लीज खोल दो मेरे को यार, प्लीज खोल दो, प्लीज खोलो यार। किसकी मैयत है? कौन मर गया? ये मर गया आपकी बेटी पे। क्या इरादा है तुम लोगों का? छोड़ो, खोलो यार। जबरदस्ती है ये? कौन है? मुझे लगता है ये पंजाबी है। लगता नहीं, ये है पंजाबी है, लेकिन है कौन? ये इस्माइली है, इसका चक्कर शकीना के साथ चल रहा है। अब डैडी सलाम अलैकुम। आगरा का बहुत ही पुराना और नामचीन घराना है हमारा। जी पता है। अच्छा, कोई भी आयरा कह रहा हमारा दामाद बनेगा क्या? और ये जानते हुए भी कि शकीना अलग मजहब की है, हमारी बेटी से मोहब्बत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जी मुझे पता नहीं था पहले कि शकीना मुसलमान है। तुम्हें क्या लगा सकीना नाम की लड़कियां जापानी होती है? ओ, नहीं नहीं वो
ये पीछे कौन घूम रहा है इतनी देर से? सकीना के दादाजी हैं। इनका रुकने का टाइम क्या है? क्यों, तुम्हें बैठ के कहीं जाना है? खोलोगे तो कहीं जाऊंगा ना। चुप। एक बात बताओ, ऐसी क्या खास बात है तुम्हें जो अब हमारी बेटी का निकाह तुमसे कराए? मैं खुश रखूंगा इसे। अरे मेरी बेटी तो कपिल शर्मा का शो देखकर भी खुश हो जाती है, तो उसकी शादी का कपिल शर्मा से कराए? करवा दो है? लेकिन एक बात याद रखना, कपिल सिर्फ हफ्ते में दो बार आता है, वो भी पूरी टीम और एक जज के साथ। मैं अकेला आऊंगा, सातों दिन 2400 घंटे, वो भी बिना ब्रेक के। क्यों सकीना, यू लव मी ना? बेटे, हम उन लोगों में से नहीं है जो धर्म और मजहब के चक्कर में दो प्यार करने वालों के खिलाफ हो जाए। अब हमें अच्छे लगे। खोल दो। थैंक यू अबू डैडी। आप दोनों की जोड़ी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही। थैंक यू। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? हम सकीना की शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक शाहरुख की शादी ना हो जाए। तीन बच्चे हैं, उनके शादी हो चुकी है। शाहरुख खान नहीं, मोहम्मद शाहरुख, मेरे बड़े भाई। अच्छा सॉरी, तो कब है मेरे साले की शादी? मसला ये है कि 6 महीने पहले ही उनका ब्रेकअप हुआ था, तब से गहरे डिप्रेशन में चले गए। तो डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर ने कहा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, सेकंड ओपिनियन ले लेते। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारे ओपिनियन लिए। जो हमारे शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर निकालेगा उसको 10 लाख का इनाम मिलेगा। 10 लाख? 10 लाख। तू एक काम कर, एक ही झटके में ना मेरे जिस्म का सौदा कर दे। एक झटके में 10 लाख रुपया मिल जाएंगे बेटा। भाई मैं फुल चौड़ में बोला हूँ कि तू बहुत बड़ी साइकेट्रिस्ट है। साले तेरे को साइकेट्रिस्ट की स्पेलिंग भी पता है? साइकेट्रिस्ट है बहुत बड़ी, पी से शुरू होती है उसकी स्पेलिंग। क्या बात कर रहा है, सी से नहीं होती? साले सी से सिर्फ एक ही चीज शुरू होती है, वो है तू। क्यूट तो मैं हूँ। अरे क्यूट नहीं, पागल आ गया तू? 12वीं पास हूँ मैं, रायता फला के आ गयो, साइकेट्रिस्ट में। ओ हेलो बॉय, एक्सक्यूज मी, बाहर गर्ल से तो बेटर प्रोफाइल है ना? क्यों अंकल? अरे नाच गाना लचक मचक, इस साइकेट्रिस्ट लोगों के ट्रीटमेंट का हिस्सा ही तो होता है। नाच गाना लचक मचक, उससे उसका डिप्रेशन ठीक ना हुआ तो? उसकी बहन की शादी तभी होगी ना मुझसे जब उसका भाई डिप्रेशन से निकलेगा। यार बेटा समझने की कोशिश करो, इसकी बहन की शादी नहीं उसकी। आओ। ओ बेटे, ये तो बहुत ही अमीर लोग लग रहे हैं। तूने कभी गरीब का बच्चा डिप्रेशन में जाते हुए देखा है? अबे मैं हूं ना। ये 4 व्हीलर पर कौन घूम रहा है? सकीना का घुमक्कड़ दादा है। इतना तो हम जवानी में नहीं घूमते जितना बुढ़ापे में घूम रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अबू डैडी सत श्री अकाल। आदाब। ये पूजा है और ये सकीना के अबू। हाय माउंट अबू। अबू वैसे पेशेंट कहाँ है? मैं मोहम्मद शौकिया, इनका सबसे बड़ा बेटा। तो आप हैं डिप्रेशन में? उम्र बढ़ जाए, हाइट ना बढ़े, बंदा डिप्रेस हो ही जाता है। नहीं नहीं, आप मेरी पर्सनालिटी पर मत जाओ मोहतरमा, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक नॉर्मल हूँ, पेशेंट अंदर है। सकीना जी, इनको शाहरुख के कमरे में ले जाओ। नहीं नहीं नाना, नहीं नहीं, नो नो, none of the above। इतना complicated? नो, मैं किसी कमरे वमरे में नहीं जाऊंगी, पेशेंट यहाँ आएगा। देखो तुम्हारी लाइफ में कौन था कौन नहीं ये सब नहीं पूछूंगी, बस ये पूछना चाहती हूँ कितना प्यार करते थे उससे। ओके किसने किसको प्रपोज किया था? गाना गाया करते थे उसके लिए? चलो मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ, सुनोगे? गुटका खैनी दबा के बैठे हो क्या मुंह में? भाई इसमें तेरी गलती नहीं है, कुछ चेहरे होते ही मनहूस हैं। एक दांत नहीं निकालता। 10 लाख के हिसाब से एक दांत का हुआ 31,250 रुपए। 5-7 दांत भी निकाल देना, 1-2 लाख का जुगाड़ हो जाए। पर नहीं तो छोड़ ना यार, मैं कोई और ढूंढता हूँ, छोड़। क्या बात कर रहा है तू, किसी और को काम दे गए?
अरे काम नहीं, तेरी शादी के लिए कोई और ढूंढ लूंगा। छोड़ना परी को। अबे तू जानता नहीं है मेरे और परी के प्यार को और पूजा के जलवों को। अच्छा, मैं अपने पे आ जाऊं ना तो अबू सलीम को पटा कर शाहरुख की अम्मी बन जाऊं। अब देख उस शाहरुख के 32 की जगह 36 दांत निकलवाऊंगा। तेरी फोटो लेके हाथ में और जागूं मैं तो रात में, नींदे उड़ गई मेरी जब से लगे इश्क के विंग 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 विंग। तुझको तो मालूम नहीं मुझे झूठ बोलना पड़ता है, जब जब सारे पूछे शादी में रह गई है कितनी देर, रह गई है कितनी देर। अरे प्यार के हैं चार दिन भाई, कैसे कटेंगे हर दिन। अरे प्यार के हैं चार दिन, कैसे कटेंगे हर दिन। पर रब जाने कब होगी शुरू तेरी मेरी डेटिंग। टिंग 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 टिंग। Searching for your love, oh, meri jaan chali na jaye. I'm searching for your love. नहीं 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 नहीं, अबू डैडी ये तो हो ही नहीं सकता ना। अम्मा क्यों नहीं हो सकता? लड़की पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, साइकाइट्रिस्ट है और हमारे सारे घर को पूजा पसंद है। क्यों शौकिया? डैडी जान, पूजा ही इस घर की बहू बनेगी। डैडी जान, मैं आपका सौतेला बेटा हूँ, लेकिन आपने मेरे बारे में इतना सोचा। थैंक यू डैडी जान, आई लव यू अबू जान, आप खुदा हो। और फिर से शराब पी रखी? कितनी बार कहा है शराब मत पिया करो, तुम्हारे इसी हरकतों की वजह से तुम्हारा निकाह नहीं हो रहा है। हम शाहरुख का निकाह पूजा से कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन पूजा से ही क्यों? तो मैं शाहरुख के लिए कोई और लड़की ढूंढ देता हूँ ना। मेरी जलंधर वाली बुआ की बेटी अमनप्रीत ताजी ताजी कोमा से निकली है, क्या सही जोड़ी जचेगी बताओ? आप तो फाइनल करो। सही बात, कोई फाइनल नहीं, पूजा एंड ओनली पूजा। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? नहीं जाने दो, अब आपने ठान लिया तो। अरे लेकिन क्या बताऊ ना, जी मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन इस घर का दामाद हूं, होने वाला दामाद हूं और मेरा फर्ज बनता है। पूजा ना एक नंबर की कैरेक्टर लेस है। क्या? हाँ, 18 साल की थी जब उसने पहला बॉयफ्रेंड बनाया था। पता है किसे? सब्जी वाले को।
वेज आदमी से नॉन वेज बातें करती थी। बस 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 हाँ, बस के कंडक्टर बस माने चुप करो, आगे नहीं सुनना है। और हमारा शाहरुख भी ऐसा ही है, इसलिए तो बाहर से रिश्ते नहीं आते। सर आप समझ क्यों नहीं? जब तक शाहरुख की शादी नहीं होगी, तुम्हारी शादी सकीना से नहीं होगी। शाहरुख की शादी कराओ और अगले ही दिन अपनी बारात लेकर आ जाओ। जाओ अबू डैडी, पूजा को शाहरुख से निकाह के 50 लाख रुपए दूंगा। भाई 50 लाख दे रहे हैं शादी करने के, 50 लाख कड़क कड़क नोट मिलेंगे। कड़क नोट देकर वो साला रात भर जो मेरे खुले करेगा वो। हाँ यार, ये बात तो मिस हो गई फिर। पर भाई कैसे भी करके एक रात निकाल लेना, मैं अगले दिन आके सकीना से शादी कर लूंगा। और तू भाग जाइयो ना वहां से, यार बोल देंगे लड़की फ्रॉड निकली, भगौड़ी निकली। ब्रेनलेस है तू, परी को पता चल गया तो क्या सोचेगी वो? अरे कौन बताएगा उसे? नहीं मतलब तू अपने फायदे के लिए बारगल बन सकता है, लेकिन भाई जैसे दोस्त के लिए तू इतना नहीं कर सकता। ए लल्ला, डील बहुत ही बढ़िया है, वेरी गुड डील। अच्छा तो तुम कर लियो? हम 5-6 साल पहले की बात होती तो हम अवेलेबल हो जाते, इतनी बड़ी रकम एक रात में। कितनी बड़ी रकम मिल रही है एक रात में? कौन दे रहा है? परी तुम यहाँ यकायक कैसे? पापा पूछ रहे थे, करम का काम कुछ आगे बढ़ रहा है, इसे सोचा पूछ लेती हूँ। राधे राधे अंकल। राधे राधे बेटा, जाए समझाओ। एक रात के इतने पैसे मिल रहे हैं, मतलब गाना गाने के, पर जिमान ही नहीं रहे। क्यों क्यों नहीं गा रहे? नहीं, गाने की प्रॉब्लम नहीं है, पर वो लोग कुछ बजाने को ना बोल दे, यही सोच के घबराहट सी हो रही है। तो उसके लिए अलग से पैसे ले लो। क्यों अंकल? अरे वाह वाह बेटा, बेटा वी आर वेरी प्राउड फीलिंग योर अराइवल माय होम एज बाऊ। भूल गए करम, जितनी जल्दी पैसे बनाओगे उतनी जल्दी मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। मैंने तो बचपन में ही सोच लिया था पापा कि बड़ों की दुल्हन ही बनूंगा। लोगों से उधार मांग मांग के भरने की नौबत आ गई है सिर्फ इसकी वजह से। माय प्लेजर भाई। घंटा प्लेजर बड़ा क्यों रहा है यार? जो तू मेरे लिए कर रहा है ना, मेरा अपना सगा पर्सनल भाई भी ना करता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तेरा एहसान कैसे उतारूंगा यार। एहसान उतारने से पहले लहंगा ना उतार लियो। एक बात बता, इतना ताम झाम करने की क्या जरूरत थी? छोटी सी सिंपल सी शादी कर लेते, इतना बड़ा रिजॉर्ट। रिजॉर्ट बड़ा नहीं है, तुम सदियों के भूखे हो। अरे अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, एक दर्जन में 6-7 के लिए खरीदते हैं ये। और हम जैसे गरीब लोग संतरा खाने के मौसम में सीने से लगाए घूम रहे। कौन है बे? ब्लाउज ब्लाउज कपड़े तैयार हो गई? संतरे सेट कर रही है। संतरे? अंतरे, गाने के अंतरे, गाने गाने की शौकीन है ना। अच्छा? कह रही थी फर्स्ट नाइट पे शाहरुख के लिए गाना गाएंगी। ओह माय गॉड, सो रोमांटिक। अच्छा इनसे मिलिए, ये है मेरी फूफी जान। भैया मैं नहीं मानता, छोटी बहन है और अगर बड़ी भी हुई तो 15-20 मिनट बड़ी होंगी। ये रॉकी जरा नवाजी है, बस बड़ी बहन से ही हूँ। पूजा भाभी कब तक तैयार होंगी? जी बस हो ही गई हैं बड़ी मुश्किल से। ये शहनाई तुमने बंद करवाई? शुक्र करो कि निकाह नहीं बंद करवाया। आपको पता था ना कि मैं पूजा से प्यार करता हूँ, फिर भी आपने पूजा की शादी अपने असली बेटे जो छुट्टन शाहरुख से करवा दी। तुमने फिर से पी रखी? पी भी है रखी भी है। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से तुम्हें कुछ पसंद नहीं करता यार। पूजा इन्हीं हरकतों को पसंद करती है, पता है? पूजा की आंखों में मैंने मेरे लिए वो हवस देखी। अब चमक
आइंदा तुम्हारी सौतेली जबान से पूजा का नाम भी लिया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बॉटल से बिछड़े हुए ढक्कन को चल। भाभी जान कुछ ले आ गई है, खुजा दे भाई। अपना अपना खुजाओ यार, पीठ पे कुछ ले आ गई है। नीचे 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 भी करते, नीचे भी करते। दो घंटे में दाढ़ी आ जाएगी, रेजर का इंतजाम कर दियो। रिश्तेदार से रेजर मांगते शर्म नहीं आती? अबे ये तो इलीगल एरिया में हाथ डाल रहा है। इसके लीगल के पास चलते हैं। क्या कर रहे हो? शक कर रहे हैं सरदार पे। या तो सेल्फी ले रही है, वहां तेरा सरदार दो दो चैनल पकड़ रहा है। हमने देखा है भाभी के साथ तेरा ढाबा भार डाल मखनी बांट रहा है। वो दोनों दोस्त हैं। एक मिनट, I know what's going on. अब्बूजान मेरी लव मैरिज के लिए मान गए, that's why you both are being jealous. देखिए खुदा के फजल से बड़े ही पाक वक्त पे निकाह हो रहा है, ये रिश्ता सदियों सालों तक चलेगा। ओ काजी अंकल, निकाह के पैसे लेके भविष्यवाणी ना करो, निकाह पढ़ाओ जल्दी है। अब्बू सलेम के फर्जंद शाहरुख से आपको निकाह कबूल है? ओहो, शाहरुख बेट्स पूजा। अच्छा ही, जहां भी पूजा है। अरे बोलिए ना, कबूल है कि नहीं? कबूल है, कबूल है, कबूल है। अरे वाह, और आपको? कबूल है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओहो, स्वर्ग की अप्सरा भी आई है जहाँ। आदाब। शट अप। जया क्या कर रहा है? भाई मुझे क्या पता, मैंने थोड़ा ना बुलाया। हाय, मेरे को ना गैस हो रही है, मैं कुछ खा के आता हूँ। अबे रुक रुक रुक, रुकना आता हूँ। सब छोड़ के चले गए। अरे दादाजी, आगे सलाद तक छोड़ दो प्लीज। अरे क्या, थोड़ा तेज चलाओ। ओ हो, बधाई हो बधाई हो। किसने इनवाइट किया आपको? निकलो। अपनी बहन की शादी में भी इनवाइट नहीं करते ना तो जिंदगी बर्बाद नहीं होती हमारी? एक बात बताओ, तुम्हारे जा लड़के को कोई गाली नहीं दे, लड़की किन्ने दे रही? जैसे हमने अपनी बहन दे दी बिना गाली दिए। बहन की गाली दे देते, बहन क्यों दे दी? ये भाई जान निकालिए इसको, कोई मुंह दिखाई नहीं होगी, चल यहाँ से। अच्छा, तलाक के पेपर बन गए हैं, कल हमारी वकील आएगी और मुंह पे मार के जाएगी तुम्हारे। हाँ तो भिजवा दे, मैं साइन कर दूंगी। और सुनो, क्या है, आइसक्रीम को काउंटर लगाएगा नहीं लगाओ? विधि का विधान है का। पापा, कैसे रहूंगी आपके बिना? हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। खानदानी मुगलिया के नवाब साहब, अगर आप बुरा ना माने, क्या मैं एक रात के लिए इसके साथ चल सकता हूँ? देखो मेरी बेटी पहली बार अकेली जा रही है, मुझे बहुत चिंता सता रही है। क्या बॉर्डर पे जा रही है? नवाब साहब, बॉर्डर पे जाने से कम थोड़े। जाने दीजिए ना अबू डैडी, बस एक रात की तो बात है। ठीक है चलिए। सुबह स्माइली के आते ही कट लेंगे। उससे पहले हम इनसे 50 लाख रुपया धरवा लेंगे, पता नहीं बाद में कैसे मुकर जाएं। सही बात। अरे का फोन, संभालो। उठो उठो। बाबू कहाँ हो? बाबू नहीं, बाबू के बाबू जी बोल रहे हैं। राधे राधे अंकल, करम कहाँ है? मनमोहन और गिरधारी से विनती करियो, आज वो अपनी लाइफ की सबसे डेंजरस परफॉर्मेंस देने जा रही है। जा रही है? जो परफॉर्मेंस देने जा रही है हमाओं बेटो करम, उसके साथ डुएट गाने जा रहा है। अब बात ना भी जाओ, शाहरुख भाईजान आपका इंतजार कर रहे हैं। शाहरुख के रूम में ऋतिक के पोस्टर लगे, अजीब बात है।
कौन है? पूरा शकुन है। सॉरी, मैं दूसरा ले आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैंने गोली खा ली है। गोली? कौन सी गोली? नींद की। क्यों? ओ माय खुदा, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, अब ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे क्या? आप इस नकाब से खुश नहीं है? इतनी बड़ी हवेली और बाथरूम में छिपकली। हेलो, आवाज आ रही है? अबे दो मिनट होल्ड कर, बहुत जोर से लगी है। इतनी रात को पौधों में पानी कौन दे रहा? दिमाग खराब हो गया साले। और कैसी रही फर्स्ट नाइट? अबे सुबह जल्दी आ जाइयो। अरे तू टेंशन मत ले, तेरे खुले होने से पहले आ जाऊंगा। बहू, बहू लड़का। दादू जान कहाँ चले गए? अब्बू जान अभी उम्र ही क्या थी आपकी? 105 साल। माशाल्लाह उस समय की पैदाइश थे जब फौज हाथों से लड़ा करती थी। गलत बात है, बहुत गलत बात है। नवाब साहब, आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमें सुबह सुबह पता चला। आपको को बता के गाओ? रात भर हमने नोट गिने, 50 के बदले सिर्फ 25 निकले। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ हमारे दादाजी का इंतकाल हो गया है और आपको पैसों की बड़ी? कल रात तक तो ऑन थे फुल स्पीड में, आप कब हो गए? आपको बैलेंस चाहिए ना? बैलेंस चाहिए ना? देते हैं आपको बैलेंस। जनाजी से पहले दे दो, बदतमीज ससुर है हमारे। इस फिल्म की आत्म को शांति दे दो तुम्हारा। ये दादाजी को क्या हुआ? बहखाना जा रहे थे। क्या खाने जा रहे थे? खाने नहीं बहू, बहाने जा रहे थे। हाँ। बड़ी जोरों की लगी थी। इतना जोर लगाया कि जान निकल गई। ओए नागिन दोस्त बजाओ। ओए अरे बाज, अब क्या नागमणि लेके मानेगा? सॉरी अबू डैडी, ये लीजिए। स्माइली वेट सकीना, टुडे 7 PM ऑनवर्ड्स मिलन वाटिका गार्डन। मेरी पूरी फैमिली वहां पहुंच चुकी है, आप प्लीज लेट मत होना, मेरी पहली शादी है। बेवकूफ, यह हमारे अब्बू का इंतकाल हुआ है और तुम्हें शादी की पड़ी है? सॉरी, मैंने एक्साइटमेंट में देखा नहीं, कब हुआ? आज सुबह। देखो, हमारे यहाँ जब किसी की मौत होती है तो 6 महीने तक कोई पाक काम नहीं होता। क्या? कितने महीने? 6 महीने तक। इसे क्या हुआ? या अल्लाह, उफ अल्लाह, दादाजी कहाँ चले गए? क्यों चले गए? किधर चले गए? अब भी क्यों गए? इतनी देर से समझ में आ रहा है? पहले तो रोई नहीं तुम? आपको नहीं पता इनकी मौत की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। और अबू डैडी गली में भाग के आए यहाँ पर, और आज दादाजी कट लिए। मुझे लगता है मैं ही मनहूस हूँ, मैं यहाँ पे रहना डिजर्व ही नहीं करती, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो सुनो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। गलती है? अरे भाभी जान, जाने से पहले ये तो देख लीजिए, दादाजी ने मरने से पहले दीवार पे क्या लिखा है, देखो। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि बहू का लड़का हो, या लड़की भी लिख सकते थे। यही बताने वाली थी कि जिस घर में बच्चा मियां बीवी के बजाय दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए पैदा किए जाते हैं, उस घर में मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। अरे सुनो, मत रुको, मुझे मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, नहीं जा सकती, दादाजी को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। दादाजी, दादाजी आप क्यों चले गए? आप कौन? मैं लॉयर परी। अब्बू, दादाजी मर के बादलों तक नहीं पहुंचे, आपने वसीयत के लिए लॉयर बुलवा लिया,
नोएडा वाला प्लॉट मेरा। I mean, मैं साजन जी की लॉयर हूँ, जो तलाक के पेपर्स भेज। तलाक? ला, मैं अब भी साइन कर। अरे क्या लगा रखा है, शादी में जल्दी, बच्चे में जल्दी, तलाक में जल्दी, कितनी जल्दी क्या है? ए, हम आपको भिजवा देंगे। डेथ हो गई क्या? नहीं दादाजी, डेड बॉडी खेल रहे हैं। अब परी को और धोखा नहीं दे सकता, सब कुछ आज सच से बता दूंगा। प्यार व्यार परिवार के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। कहाँ हूँ आजकल, 6 बार कॉल कर चुकी हूँ। मुझे रुमाल क्यों बांध रखा है? तुम्हारे पापा ना देख ले इसलिए। चलो यहाँ से। आज कुछ बताने वाले थे ना? मैं? हाँ, नौकरी लग गई है, घर छुड़वा लो अपना। अच्छा? हाँ। ऐसा क्या काम है जो इतनी जल्दी इतना पैसा? हाँ, बहुत ही इजी और मजेदार काम है। कस्टमर का काम करो, सेटिस्फाई करो, पैसे लो, कभी कभी बोनस भी। कैसी रही? तो किसका पैसा अलग होगा? हक का पैसा अलग और बाकी चीजों का अलग। मतलब? हाँ? करम, उस रात उस आंटी के साथ जगराते पे मिलना। अरे? और अब जे? जे का? पापा ने पैसे कमाने के लिए कहा था, जे सब करने को नहीं। जे सब का? आज के बाद ना मैसेज करना ना कॉल करना। किस्मत वाली दामाद। नमस्ते अंकल। ठीक है ठीक है, ये चुम्मा चाटी केंद्र नहीं है। क्या मतलब है आपका? ये कि टमाटर सॉस लगा के घूम रहे हो? मैं ना बंदरों पूजा ऊजा। एक तो मेरी गर्लफ्रेंड, ऊपर से वकील, इतना शक करती, कॉल नहीं उठा रही मेरा, मुझसे नहीं होगा ये। वे तू पागल है क्या? बेटा बाकी के 25 लाख धरे के धरे रह जाएंगे। अरे यार 25 लाख छोड़ो, अगर उन्होंने हमें फ्रॉड के केस में अंदर कर दिया तो? कुछ रात की बात है भाई मेरे। दिन नहीं बोल सकता तो? जिनका मूड होता ना वो दिन रात नहीं देखते। हेलो। अरे हेलो, मैं तुम्हारा टाइगर बोल रहा हूँ। बोलिए। जी मैंने इसलिए फोन किया ना, वो जो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड को बिल था ना, मैंने बात दो। बहुत भरे बैठे हो आप, क्यों भरा आपने? अब तुम्हारी मांग तो भर नहीं सकता था, सोचा बिल ही भर दूं। भैया रोटी? हाँ, खा ले खा ले खा ले। वो माँ की आँख का ऑपरेशन करवाना था, उसके ना पैसे रखे थे तो उसी में से दम निकाल लिए। हो, आपने अपनी माँ की आँख कर दी। अरे माँ को एक आँख से प्रॉपर दिखता है तो दूसरी आँख का ऑपरेशन आराम से करवा लूंगो। वैसे भी तुम मुझसे अलग थोड़ी हो। सच कहूँ ना तो तुमसे मिलने को ना तुम बहुत मन कर रहे हो। मैं नहीं मिल सकती, मेरे पति वापस आ गए। क्या, कब, कैसे, क्यों आ गया वो मनोज? पूजा, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारा सोफे पे वेट कर रहे हैं, किससे बात कर रही हो फोन पे? पता नहीं, रॉन्ग नंबर, किसी टाइगर नाम के कुत्ते का फोन है। आई एम सॉरी टाइगर, मैं तुमसे बात कभी नहीं कर पाऊंगी। अरे नहीं पूजा, सुनिए मेरी बात। हेलो, आज के बाद कभी फोन मत करना। हेलो, अब जेक कभी फोन ना करेगा। मेरे क्रेडिट कार्ड को बिल उतर गया उसे। अरे वो बस। अरे भी अब्बू डैडी धोखेबाज साहब। अरे खुदा का खौफ करो, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई। अब जानते हैं ना हम कौन हैं? नवाब साहब, हम आपको बता दो बारे थे। कब कब बताने वाले थे? मेरे बेटे के निकाह के बाद इतने दिनों तक आपने ये राज छुपा के रखा। आपने बताया क्यों नहीं कि आपका एक बेटा भी है, पूजा का भाई है? नहीं है, नहीं है नवाब साहब, ऐसे भाई होने को क्या फायदा जो बहन की शादी में ना आ सके, रक्षाबंधन पे राखी बंधवाने ना आ सके, और अब आयो नाच पीटो। जो पूछो हमसे को आओ, तुमने हमसे वादा किया था ना 25 लाख रुपये देने का, जो नाच पीटा कह रहा वो आधे चाहिए। नवाब साहब चलो, इसके मुंह के ऊपर मारो कैश 12.5 लाख रुपया। अबू जान को ATM है कि मुंह पे मारिए कैश? सलाम। वालेकुम। मैं शाहरुख की छोटी बहन जैसी बुआ हूँ। जुमाने बंद करना है। हमारी बहू पूजा कहाँ? भाभी जान, भाभी जान,
अरे गुस्ताखी माँ भो, ये दोनों भाई बहन का बचपन से ही बहुत झगड़ा होता था, अब भी अभी झगड़ा करके निकली है वो। हम फोन कर रहे, फोन ही नहीं उठा रही, बहुत जिद्दी है साहब, बहुत जिद्दी है। मैं तो घबरा गया था कि कहीं कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ उनको फोन। शक्लों के साथ साथ दोनों का फोन भी सेम है, इसका ले गई अपना छोड़ के बताओ। लाइए अपना नंबर लाइए। अबे ओ सस्ते हुमायूं, हाँ तुम्हीं से बात कर रहा हूँ। मैं किसी एरे गेरे अननोन बंदे को अपना नंबर नहीं देता। एरे गेरे तो ठीक है, अननोन का क्या मतलब? तमीज नामक कोई चीज नहीं है तुम में? सौतेले नवाब साहब, जो बचपन से ही ऐसे थे, पैदा होने के एक डेढ़ साल तक हमसे बात ही नहीं करी थी। तो उसमें तो कोई भी नहीं करता है। ये भी सही है, लेकिन अब करेंगे। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। देखिए पूजा के आते ही आप हमारे घर भिजवा दीजिएगा, मैं इन दोनों की बातचीत कराऊंगी। माशाल्लाह, चलिए मेरे। एक्सचेंज ऑफर चल रहा है यहाँ पे। अरे आइए, मैं ना जा रहा। चलो ना। नहीं जा रहा। अरे चलो। नहीं जा रहा। अरे चल देना। अरे क्या एक्सचेंज ऑफर है ये अंकल? हाँ। जेल के कपड़े हैं आपके पास? चक 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 पलट पलट। माफी चाहती हूँ, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई, आप चाय लेंगे या कॉफी? दारू, दारू पीऊंगा, पिलाएगी? दारू तो हमारे मजहब में गुनाह है, आप कहें तो निगाहों से पिला दूं। वैसे मार्केट में अफवाह है, सच है या झूठ मुझे नहीं पता, पर लोग कहते हैं कि मेरी आंखें रेखा से मिलती है। एक बात कहूं, आपकी एक आंख दूसरे से बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है, रेखा से कैसे मिलेगी? बिलाल, बिला। हो गए ना हैरान, हम भी हो गए थे। पूजा का जुड़वा भाई है करम, और ये है तुम्हारे जीजू शाहरुख। जे शाहरुख, तो आज से हम भी सलमान। जे बाप ने पैसों के चक्कर में कहां ब्याह दी बिटिया? इस साले को अंदर किसने आने दिया है? साला किसको बोला? गाली में बोला है, फील करो। अरे तुम्हारे होने वाले फूफा हैं। अरे क्या फूफा, साला जीजू कसौटी जिंदगी की चल रही है यहाँ पर। सोना भाई मेरा भी फोन नहीं उठा रही, मैं क्या करूं? भाई ड्यूटी पे नहीं पीता हूं। मिला दिया एक सेकंड। हेलो। हेलो पूजा, सोना भाई। नाम ले उस बहन के टके का। सोना भाई पार्वन एक नौकरी का दे पीछे पड़ गो है। जे कहाँ फोन लगा था वो? लगता है उसके भाई ने फोन उठा लिया। भैया पूजा को फोन दो ना, सोना भाई साथ में है। स्पीकर पे सब सुन रहे हैं। भैया फोन दो। मैं ना दे रहा हूँ। भैया प्लीज। किसका फोन है बता? सोना जी। तूने किसी के साथ ना सोना? भैया माय लाइफ माय रूल्स माय फोन माय बैलेंस। हेलो सोना जी, मेरे भाई ने आपको कुत्ता कमीना उल्लू का पट्टा बैठ कर टक्कर ठर के पंगा नचने दो कड़ी का आदमी कहा? इतनी तो आपके भाई ने नहीं कही थी। कहा उसने? I'm sorry for that। एक बात बताओ, आप हो किधर? भाई एक दिन का बोल के गई। दो तीन दिन आए गए ना, माँ फोन उठा रही है ना, रिप्लाई कर रही है, नहीं बाहर में आ रही है। मैं तीन चार दिन नहीं आ सकती। क्यों? पीरियड चल रहे मेरे, तीन चार पाँच छह सात आठ दिन तक कुछ नहीं कर सकते। लेडीज प्रॉब्लम। ओहो, तो पहले बता देती ना। अरे काम जैसे ही कंफर्टेबल हो जाओ तुरंत आओ। बाय बाय। कुछ नहीं कर सकते, आप गर्म पानी की थैली लेके आ सकते हैं मेरे लिए?
हाँ पता है पता है। सो जाओ सो जाओ। आजकल मेरे साथ इतना फिदा क्यों रखो है आई डोंट नो। मैं ना कर रहा जी नाटक। तू पागल है क्या कर रहा है? लचक ले क्या मरवाएगा तू? अबे ये लचक मचक अगर परी को पता चल गई बवाल हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ उसके पास। वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने पापा की परी को यहीं बुला लिया। यहाँ? हाँ। क्यों? अरे यार जब देखो लड़की बना देखेगी तो सारे शक दूर हो जाएंगे ना कि तेरे मुंह पे लिपस्टिक कहाँ से आई, समझा? सरदार जी पहली दफा सही बात कही है तुमने। राधे राधे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यार तुझे बहुत तकलीफ दी ना मैंने। कोई बात नहीं। सीने से लगा के जो सुकून मिलता है ना यार। सर तभी वो गरीबों का साला शाहरुख खान तुझ पे फिदा है। अबे हाथ लगा ना। चुप कर। ओ माय खुदा। मतलब तुम इंडियन हो के हाफ एन आवर पहले कैसे आ गई? रॉन्ग। आई एम डीपली हर्ट। शट अप। शक तो मुझे पहले ही था। तो भाभी जान आप भी ट्रॉम में बंद कर। क्या कर? सकीना सकीना मेरी बात तो सुनो यार। सुनो तो सही प्लीज। ऐसा नहीं है सकीना यार। बदतमीज कहीं का हदी कर दी। शक सही निकला मेरा। I hate it. आज से नो पूजा ओनली करम। तो मजा ही आएगा। अरे तुम आ गए? हमने उतारी है। अच्छा शर्म ना आई? ऐसी घटिया बात को इतने प्राउड से बोल रहे हो? नहीं। हाँ उससे लिपस्टिक और आज ये। अरे बात तो सुनो। सुनना क्या है? जो देखना था देख लिया हमने। तुम पैसों के लिए इतने गिर जाओगे करम? नहीं नहीं नहीं। छी। अरे छी क्या? मेरे पीछे मत आना। तो कहाँ जाए? भाड़ में जाओ। जमुना में खुद मरो। हमने उतारी है। हमने बोल तो रहे हैं। अपनी बॉडी से बोलना भूल गए। अपनी ही बॉडी से उतारी है। पर्सनल है हमारी। अरे परी। हाँ हाँ परी मेरी। वो मेरी बरात थी भाई सुनो तो सही। अच्छा कभी पहने हुए तो नहीं देखा तुम्हें? अरे नाटक के कपड़े हैं तो पता तो बचपन से राधा सीधा द्रौपदी बनते आए हैं हम। यकीन नहीं होता? नहीं। ऑर्गेनाइजर से बात कराओ? करवाओ। हाँ करो। ऑर्गेनाइजर। हेलो करम भैया कपड़े ट्राई हो गए? ब्रा चेक कर ली थी? हाँ थोड़ी टाइट है। वो 2 इंच लूज कराई दियो। करम हमें लगा वो छोड़ो। I'm sorry. ना शक मत क्या करो हम सिर्फ तुम आए हैं। I love you. Love you too. तुझे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। गुजर जाऊंगा। अबे प्लीज भाई मेरी बात मान ऐसा मत कर दोनों को जेल कर देंगे। अभी कौन सा बैंकॉक में एंजॉय कर रहे हैं? ये जगह जेल से बदतर है। जिसके लिए सब कुछ कर रहा था मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली जाती क्या फायदा यार? भाई मेरी बात मत कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढते गूगल। अभी अबू सलीम के पास जाकर एक एक कपड़ा उतार कर पूजा से करम बन जाऊंगा। उनको पता तो चले जिसको स्कूटी समझ कर लाए थे असली में बुलेट है। भाई पैदल जाने लायक नहीं छोड़ेंगे बुलेट कांसी। इतना बड़ा झूठ इतना बड़ा धोखा। शक तो हमें हो गया था। मारते रहो रुकना नहीं चाहिए। भाई इतना क्यों मार रहे? मारो झूठ बोला है हमसे। झूठ ये ले तेरे पास। अरे चचा बस भी करो। अबू डैडी क्या हुआ क्यों मार रहे इन मासूमों को? झूठ का आम से कि सनी की फिल्म देखने जा रहे। मैंने कहा अच्छा है भतीजे चलो चलते। 20 मिनट तक देखता रहा सनी देओल की जगह पे सनी लियोनी गदर मचा रही थी और हैंडपंप कोई और ही उखाड़ रहा। अरे चचा सिर्फ इतना सा ही तो झूठ? इतना सा झूठ? पूरा जेंडर चेंज कर दिया और इतना सा ही झूठ? बहू तुम्हें कुछ कह रहा है? नहीं वो स्कूटी खरीदी बुलेट निकला ऐसा कुछ कहने वाली थी? नहीं ऐसी तो कभी कोई बात ही नहीं हुई।
मैं तो बस ये कह रही थी कि सनी लियोनी की फिल्म देखनी भी कोई बुरी बात नहीं है। नहीं नहीं, सनी लियोनी से हमें कोई एतराज नहीं है, बड़ी प्यारी बच्ची है। झूठ झूठ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मारो। भाई साहब, 2 घंटे 2 बर्गर 3 आइसक्रीम लगी सकीना को मनाने में कि तेरी भाभी और मेरा कोई चक्कर नहीं। भाई पूरा फोन चेक किया उसने मेरा, बैटरी निकाल के तब जाके मानी है। चुप। तुझे पता है लड़की बनना कितना मुश्किल होता है? उससे ज्यादा मुश्किल होता है लड़की होना। मुझसे पूछ। ओ, बहुत पी लिए तूने। चल उठ, तेरे को तेरे ससुराल छोड़ देता हूँ। शाबाश, दोनों भाई चलेंगे आज। पता नहीं साले तू इस बार किसके घर छोड़ आए हो। मैं खुद चली जाऊंगी। जाऊंगा। आप सड़क पे बेहोश पड़ी हती, हम उठा लाए। अब फूल को कौन नहीं उठाना चाहेगा? आपको मैं फूल लगी? बिल्कुल। वैसे फूल तो हमारी पहली बीवी भी हती, पर गमला के संग। बात बताओ, आपने पी रखी थी? हाँ, थोड़ी सी स्कॉच। खुशबू तो संतरा की आ रही थी। हाँ, वो कभी कभी जरूरत पड़ने पे एक दो लगा लेती हूँ। आपको तो पता ही है, बार में डांस वांस एंड ऑल। कछु दिना की बात और है। जैसे हमारा तलाक भयो, हमें हमारे बच्चन के लिए मम्मी मिल जाए। पापा, मुझे मम्मा की गोद में आना है। पापा, मुझे दूध पीना है। पापा, ये गोद में लेना तो ठीक था, लेकिन ये दूध का क्या सीन है? किचन में दूध उबल लो है, उसी की बात कर रहा। चल चल बेटा, चल चलो भागो। आप माँ बनना पसंद करेंगी? माँ नहीं बन सकती मैं। जे हम पे छोड़ दे। पर मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स हो रही है। उसे मार के शादी कर लेंगे। शर्म आ गई। रात काफी हो गई है, मैं निकलती हूँ। ऐसे कैसे चली जाएंगी? हम छोड़ के आएंगे घर। आप मुझे घर छोड़ेंगे? क्यों नहीं छोड़ेंगे? छोटे मोटे सोनू सूद तो हम हुए। किस एरिया में रहते हैं आप? हाँ, बस वो पिछली गली में। फिर तो आगे निकला है? नहीं, वो घर के सामने रुकना, वोंट लुक नाइस। करेक्ट। आपका कोई रहता है यहाँ पे? हाँ, रहते हैं कुछ मनोज लोग। ओके, थैंक्स। अरे, वो जाते जाते 3 शब्द तो कह लीजिए। आई है सुसुम। हाय हाय, क्या कह गई? भाभी, फूफा, चुम्मा, चक्कर, ये मेरा केस है। लगता है इनके पास पैसे आ गए। कही थी ना पापा, कर्म कर लेगा। ओ कारीगर भैया, पेंटर भैया, या अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, राधे 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 राधे। लगता है पैसे कमाने के चक्कर में टॉप अप लोन तो नहीं ले लिया? अरे नहीं भाई साहब, अब तो इतना आ गया है कि हम आपको लोन दे देंगे। आइए लोन में। भाई साहब, हम चाय बना के। वाव, जैसा सोचा था उससे थोड़ा अलग है, लेकिन चलेगो। पूजा जी। पूजा। कौन भैया, कौन हो तुम? माइंड योर लैंग्वेज, भैया वाली पर्सनालिटी थोड़ी है मेरी। बैंक, क्रेडिट कार्ड, सिंदूर, पति गायब, एडजस्टमेंट, टाइगर। पहचाना? कौन टाइगर? ए, महिला उत्पीड़न केस में अंदर करवा दूंगा कंकाल। जी बैंक वालों, टाइगर यहाँ पे कैसे आ गए यार? बताओ ना, मैं तुम्हारा टाइगर, तू मेरी पूजा। ए छिपकली, टाइगर की फोटो देखी है कभी?
अंकल शर्म करो, अपनी उम्र देखो, जाके उम्र देखो, है, आपकी बेटी जैसी है वो बेटी की। बेटी जैसी नहीं, बेटी ही है मेरी, बेटी। आप जगजीत हो ना? अरे हम हैं जगजीत, तुम कौन हो? तुम जगजीत हो? आधार कार्ड दिखाएगा। वापस आई गए? हाँ आ गए। अरे जाने की उम्र में आई गए तुम। तुम अगर पूजा के साथ बाहर जाओगे ना तो लोग कहेंगे क्या प्यारी बाप बेटी की जोड़ी जा रही है। पूजा को पति ना बोल लो कोई। ए, पूजा पति वाली सूखी पत्ती, निकल यहाँ से। अंकल जी पूजा कौन है? पता नहीं बेटा किस पूजा की बात कर रहा हो। भाई साहब आप किसी गलत जगजीत के घर में आ गए हो। I'm so sorry, my mistakes. अगर आप क्रेडिट कार्ड चाहिए तो अभी निकलना। जाना लो भाई साहब। बस बस देखिए शर्तों के हिसाब से जैसी सारी बातें पूरी हो जाती हैं उसके बाद ही शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे, वरना हमारी परी के लिए तो बहुत सारे रिश्ते आते हैं रोज। चलो मिस्टर गोल्डी। सोना भाई। सर हिंदी इज नॉट अलाउड हियर। ओह सो मिस्टर गोल्डी योर किड्स आर वेरी वीक इन डांस एंड इंग्लिश टू। नहीं 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 नहीं, डांस में वीक हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश में अनपॉसिबल। एक बच्चों के होने वाली मम्मी का फोन है। प्लीज टॉक इन इंग्लिश। सॉरी पूजा जी कहाँ हैं आप? आई एम किड्स स्कूल इंग्लिश मीडियम, हिंदी नो अलाउड हियर। चलो हिंदी अलाउड नहीं है पर ये वाली इंग्लिश किसने अलाउ कर दी? अच्छा वैसे आज हमारी याद कैसे आ गई? सर No Hindi, please. पूजा जी टॉक। आपके होते एक महिला सुरक्षित नहीं है। कौन महिला? सर विच लेडीज? मैं श्रीमती पूजा साजन तिवारी। श्रीमती पूजा साजन तिवारी। बच्चों स्टॉप योर इयर्स। मैडम जी हरामखोर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? और कानून की इज्जत को? ऑनर ऑफ द लॉ। Who put hand on honor of law? है टाइगर नाम का चीपड़ा from लेना देना बैंक। अच्छा ये इतने गंदे गंदे मैसेज भेज रहा है कि हर घंटे फिनाइल से फोन साफ कर रही हूँ। इसकी बहन का सर प्लीज होल्ड प्लीज। मैडम जी टुच्चे बहन के टक्के और लौंडिया बात को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अबे क्यों दिमाग की माँ बहन कर रहा है तू? झंडू साले चमन चिराग निकल यहाँ से खुद्दू साला। हिंदी में गाली देने में कितना मजा आया, अंग्रेजी में नहीं आता। अबू जान अब चुल्लू भर दारू में डूब मरो। अपने पर्सनल फूफा सगे साजन तिवारी उर्फ सोना भाई अपनी फूफी जुमानी के तीसरे सौहर का पूजा भाभी के साथ चक्कर चल रहा है। सुबह सुबह पीकर आए हो? जिस दिन पूजा भाभी गोद में छोटे छोटे क्वार्टर लेके आएगी तब मानोगे क्या? बस हमारी बहू भोली है शरीफ है वो आदमी ही साला अल्लाह माफ कर रहा कमीना आदमी है। कमीना तो है कभी फूफा फूफी के साथ कभी फूफा भाभी के साथ आहिस्ता आहिस्ता घर की सारी औरतों के अपने लपेटे में ले रहा है। वो तो अच्छा हुआ अम्मी जान टाइम पे निकल गई नहीं तो अब्बू जान भी बन जाता। खुदा का खौफ करो मियां कम से कम मरहूमों को तो छोड़ दो। और ये जुमानी भी कैसे कैसे लोगों से निकाह करती रहती है क्या शौक पाल रखा है। देखो बच्चों ये तुम्हारे नए अबू का घर है जा। अबू अबू अरे 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 वाह अरे भैया कैसे चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। छोड़िए सांस तो लेने दीजिए ना। अरे छोड़िए आप जुमानी जी। अरे जी ना लगाइए। अरे बड़े अरसे के बाद लगाया लगाने दीजिए ना। मैं आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। फरमाओ। सोच रही हूँ थोड़ा खुल के बात करूँ। अरे पूरा खुल के बात करो। आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। मैं आपको कैसी लगती हूँ?
बिल्कुल अपनी सी। अल्लाह शुक्रिया। मेहरबानी। दरअसल मेरी शादियां तो 3-3 हुई हैं, पर हकीकत में मुझे सच्चा प्यार ही नहीं मिला, इसलिए मैं आपसे शादी की बात करने आई हूँ। शादी? ए बालको, बहुत दूर जाके खेलो, बहुत दूर जाके खेलो। अरे बैठिए। आपकी तो इस उम्र में भी क्या एनर्जी है। ये तो ट्रेलर है, फिल्म का जोशी कुछ और है। अल्लाह करे आपकी सेहत हमेशा बनी रहे। तो आपको तो कोई एतराज नहीं है ना शादी से? शादी से? अरे हमें ना शादी से ना निकाह से किसी से कोई एतराज ही नहीं है। और ये जो उम्र का फर्क है, ना उम्र की कोई सीमा हो ना जात का हो बंधन, ये बेकार की बात है। और बच्चे, मोहब्बत में एक आध दो हो जाए तो कोई बात नहीं, वरना रेडीमेड दो तो हैं। आय अल्लाह, करम को सरप्राइज देंगे। बेटा जे टाइगर पांडे का घर कितना बड़ा हो? क्यों? खाता खुलवाना है इनका। वो तो पूरे परिवार के साथ बाढ़ में बह गो। भैया झूठ का बोल रहे हो, हैं? पूरे मथुरा में टाइगर पांडे तुम ही तो हो। भाई जय नाम सूट नहीं करता तुम्हारी बॉडी पर। सही बात है, पांडे हटाने का भी सोच रहा हूं। टाइगर हटाओ। अच्छा तुम भी इधर आओ। चौथा निकाह। इस घर में जितने कमरे नहीं है उससे ज्यादा तुमने निकाह कर डाले। अरे भाई जान, आपको शायद याद नहीं है, जब मेरा तीसरा निकाह हुआ था और हम अजमेर गए थे तो पीर बाबा ने कहा था कि जब मैं अपनी कम उम्र के लड़के से निकाह करूंगी वो निकाह टिकेगा जिंदगी भर। इसने अगर तलाक ले लिया तो सोना भाई पूजा भाभी के पीछे। अरे जुमा जी, किसी रिश्ते को यूं ही खत्म कर देना गलत बात है। तुम एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। बड़ी मुश्किल से सोना हाथ लगा है, उसे घर के बाहर मत फेंको। क्या पता अगला रिश्ता इससे भी ज्यादा मनहूस हो। संभल के बाबूजी। तो है बाबूजी और बाबू में फर्क नजर नहीं आ रहा होगा। तुमको हमने कहीं देखो है? भगवान नहीं है, इंसान है, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। तुम जहां कैसे? हम तो भाई तलाक की बात करने आए। हम अपनी शादी की बात करने आए। शादी? अच्छा जी, जा घर में एक ही और है जिसने शादी का बुफे डाल रखा। तुम किससे बात करने आए? सलाम अलैकुम दामाद जी। खुशकिस्मती है। हमारे संग नहीं है जे, अकेले आए हम। ये आप कौन है जी? आई एम जगजीत सिंह फ्रॉम मथुरा वासी। जगजीत जी, अरे शौकिया इनको अंदर ले जाओ। आओ, आपको अंदर छोड़ के आते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट है भाईजान। इसे जल्दी निपटाइए और शादी की बात करते हैं। अच्छा जी, इतनी जल्दी है रही है शादी की? बिना तलाक के शादी? अबे ओए, कौन? अरे तेरे से ही कह रही हूँ, अपने लिए नया शौहर ढूंढ लिया मैंने। अच्छा जी, राधे राधे राधे। एक्सक्यूज मी, पापा पापा पापा, ये कार बना रखो है, कौन सा चमगादड़ खा लिए? बेटा रिश्ते की बात करने आए। किसका रिश्ता? हमारा और जुमानी का रिश्ता माशाल्लाह। इश्क में फिर से पागल ना बनो जगजीत। पागल हम नहीं बने, पागल वो हसीना बन गई है। इस आदमी ने मेरी जवानी का 3 साल बर्बाद कर दिए। जवानी? तुम वो फ्लॉप पिक्चर हो जिसे हमने इंटरवल के बाद देखा। फर्स्ट हाफ की कहानी को तो पता ही नहीं है भाई साहब। अरे ये पिटेगा मुझसे। जवानी सुने का बहाना ढूंढ रही हो? बेटा घर आई थी, कह रही थी हमारे बगैर रह नहीं सकती है इंशाल्लाह। यार बुढ़ापे में सठिया गए हो तुम। तुम्हें तलाक के पेपर पे साइन नहीं करना।
हम बिना औलाद के कर लेंगे शादी। हेलो, अरे फोन उठा लिया करो कभी कभी। बात ऐसी है कि जब तक इनका तलाक नहीं हो जाता हम निकाह नहीं कर सकते, और वैसे भी 6 महीने कोई पाक काम नहीं हो सकता। एंगेजमेंट कर लेते। आप तो बहुत फास्ट निकले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है, बस करमू आ जाए। रिंग सेरेमनी कर लेते, करम आता रहेगा। तो अंगूठी कौन पहनाएगा? हम पहनाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप, ससुर होके बहू को अंगूठी पहनाएंगे? कौन ससुर कौन बहू? और भैया करम अंगूठी काहे को पहनाओगे? अरे उससे शादी करूंगी तो वही पहनाएगा ना। जमानी, अगर तुमने हमसे निकाह नहीं करना तो हमसे बात क्यों किया तुमने? अरे हमने सोच भी कैसे लिया, मैं कर्मों से प्यार करती हूँ, उसी से निकाह करूंगी। तो रिश्ते की बात हमसे क्यों करने आई तुम? अरे मैं अपने और कर्मों के रिश्ते की बात करने के लिए आई थी, अपनी उम्र देखिए। उम्र का क्या लेना देना तुम्हारी? मैं वादा करता हूँ कि दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे तुम्हारे कदमों में बिखेर दूंगा मैं। अरे तुम दुनिया में हो कब तक? एक बात ध्यान रखना, कभी कभी आखिरी ओवर में भी बल्लेबाज घुमा के मारता है। ऐसा घुमा के मारूंगी ना मुंह पे, याद रखेगा। पूजा अपने बाप से के बाहर जाए यहाँ से। बेटी मत रो, मत रो बेटी मत रो, ये आज की रीत नहीं है, सदियों पुरानी रीत है कि बेटी के ससुराल में बाप को अपमान हो। जा रहा हूं मैं। प्लीज आपको जमुना मैया की कसम फोन मत काटियो। मुझे ना आपसे पॉइंट टू पॉइंट प्यार हो गया है, सच्चा वाला। I love you. हेलो हेलो, क्या है ये सब? मेरा फोन दो। ये टाइगर कौन है? टाइगर श्रॉफ, छोटी बच्ची हो क्या? शाकी के लौंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये टाइगर पांडे कौन है फोन वाला? टाइगर पांडे है कोई? तुम्हें क्यों बताऊ? मुझे क्या बात, इस घर की इज्जत की है पूजा, हमारे अबू जान की इज्जत की है। लाखों लो यहाँ से, मुंह काला करवा वहां से। बस 10 लाख अभी बाकी हैं। अब वो बाकी रहेंगे मैडम। पति कहते हो ना तो पति टाइप बिहेव करो, आवाज वन टू वन हो जाते हैं। ए क्या क्या है? अरे नहीं नहीं, दूध दूध डोंट क्रॉस द लाइन। लाइन तो तुमने मुझे कभी दी नहीं, लूट लो इस फल से भरे बगीचे को, तहस नहस कर डालो। अरे कवर योर बगीचा प्लीज। आज ये किरण इस शाहरुख की होके रहेगी? नहीं नहीं नहीं। हाँ। अरे नहीं 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 नहीं। हाँ। पूजा प्लीज 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 मेरी बात सुन सुन। नहीं नहीं नहीं। बस 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 बस। क्या कर रही हो? प्रूव करना पड़ेगा कि तुम ही मेरे रियल पति हो। सो जाओ सो जाओ। ऐसा लग रहा है मेरा पुराना प्यार वापस आ गया है। देखो मैं मजाक कर रही थी, पिछले 2 मिनट में जो भी वो से भूल जाओ। प्रैंक था वो, देखो कैमरा नहीं वहां पर आए। मजाक मत करो, ये धड़कनें सुनो, ये मजाक नहीं है। कंट्रोल 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 नहीं हो रहा। अरे चल 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 निकला ओ गड्डी लेके। कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। क्या है? इतना हेयर फॉल, नकली बाल। बाल के साथ साथ ये पूरा माल ही नकली है जय।
और ये भी विटामिन सी का सेवन करो। हाय, माय सेल्फ करम और करम ही पूजा है वो। या खुदा, ये तूने क्या किया? सॉरी यार। सॉरी? सॉरी? ओह, अब समझ आया। उस रात जब तू मेरी बाहों में गिरी, वो फील, फिर उस दिन जब गलती से तुम्हारा हाथ मेरे हाथ को टच किया, वो फील, मुझे लड़कों जैसा क्यों लगा? क्योंकि तो लड़की नहीं है बे, तो लड़का है। हाँ ब्रो। ऊपर वाले, मुझे लड़के ही तो पसंद है। तो जे है तेरा प्यार, गुड चॉइस। थैंक्स। तूने शादी की क्यों बे? यार अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे उन्हें ना नहीं कर पाया यार। डिट्टो सेम, पर ये जो बाप का प्यार होता है ना, हर प्यार का बाप होता है। बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है, लेकिन बाप के सहन में जिंदगी भर। तो भाई मैं घर में जिंदगी बन नहीं रह सकता, साला बुरखा पहनने की इतनी आदत पड़ गई है। परसों खीर खाई, दूध दूध अंदर चला गया, चावल चावल बाहर रह गए। करे तो करें क्या, जाए तो जाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता यार। अरे इधर नहीं, इधर नहीं, बात बात। अरे इसका फोन क्यों नहीं लग रहा? स्माइली। अरे सकीना। अरे भाई बाल तो पहन ले। अबू जान, अरे सच्चा प्यार कुछ होता ही नहीं है, सब मूर्ख बनाने की बात है। बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही। हेलो जगजीत जी, भाई बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, लेकिन मुबारक बात किस बात की? अरे अल्लाह ताला के फजल से हमारी पूजा माँ बनने वाली है। अरे क्या हो गया जी? कब हो? आज ही पता चला। अरे आपने और पैसे तो नहीं दे रहे ना? अरे पैसे क्या, हम तो हमारी बहू को सारी जमीन जायदाद दे दे, और आप भी जश्न मनाइए जगजीत जी, अब नाना बनने वाले। राधे राधे। कहाँ भाई? भैया वो होगा हो जो आज तक सृष्टि में कभी नहीं हुआ। राधे राधे। आज हम बहुत खुश हैं, दुआ कीजिए जी। अच्छा, अरे किसके लिए करनी है जनाब, वो तो सुनिए। कहिए कहिए। हमारी बहू को बच्चा होने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी क्या हो है? जिसका ब्लैंक चेक अचानक से कैश हो जाए ना, ऐसे ही पागल हो जाता है। तुम्हारे घर पे कभी मर्डर हुआ है? नहीं। अपने बाप को रोक लेने तो है जाएगा। ओ भाई लाइन में आ, कब से हम लोग लाइन में खड़े हुए। अरे मियां ये हमारे साहबजादे हैं। अरे इन्हीं की तो मेहनत है भाई। तुमने जो आज हमें खुशी दी है, उसके लिए हम आपका ताउम्र शुक्रगुजार हैं। अबू आपसे कुछ बात करनी है। अरे बोलिए। अब कुछ कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आप बोलिए। पूजा माँ नहीं बन सकती। मतलब? मतलब मैं डैडी नहीं बन सकता, ये पोपी नहीं बन सकती, आप दादा नहीं बन सकते, इनका पता नहीं मुझे। तुम तो नहीं, नहीं नहीं, तुम अपनी कमी अपनी बहू पे मत थोपो। गलती मेरी नहीं है, डॉक्टर्स ने मना किया, आप उनको बोलो जाके। पक्का? अब्बू जान की कसम। बिलाल जावेद, सब सामान वापस करो और कैश गिन के वापस लेना। हाँ? अल्लाह हाफिज। अरे पर हुआ क्या? अरे कुछ हुआ ही नहीं, तभी तो सामान वापस ले रहे हैं। हाँ? चलो निकलो।
कैसे बताएं कुछ समझ तो सोच रहे थे क्या बनेंगे हम आपको बताना चाह रहे थे लेकिन वो चलो निकलो अबूजान बात करते ना अबूजान अबू शौकी भाई अबूजान अबूजान अबू चलो वो हाँ मना कर रहे भाईजान भाईजान अरे क्या हुआ अरे क्या हुआ भाईजान को भाईजान तो ठीक है आपकी शक्ल देख के हमारी जान को कुछ हो जाता तो पिटेगा क्या है अरे क्या हुआ है भाईजान को अरे मैं तो इनकी खबर सुनकर सीधी ब्यूटी पार्लर से चली आई ऐसी कैसी तो शुक्र है आप स्पा से नहीं आ रही हैं वरना ये भी पिटेगा क्या अरे क्या हुआ है कोई बताओ तो अरे उनको चेस्ट पेन आया ऑलमोस्ट हार्ट अटैक कैसे क्यों पूजा को बच्चा नहीं हो सकता इसलिए हैं पूजा को बच्चा नहीं हो सकता पूजा इधर आओ देखो गरम दूध लेना उसमें थोड़ी सी हल्दी उसमें पता है हमें प्रोसेस दूध शीला जी वो पता है हमें साइंस ने जवाब दे दिया साइंस जहां खत्म होती है वहां से तो वो शुरू होता है कौन ये बाबा हाउस है कि मंत्रालय अबे थूक कौन रहा है अब्बू मैंने कहा था ना खानदान पे लोग थूकेंगे थूक नहीं रहा है इत्र है चलो मैं आना जा रहा हूं क्या कर रहा है अब्बू जान की ख्वाहिश है पूरी करनी होगी इतना ड्रामा कर लिया थोड़ा और कर ले बच्चा नहीं हो सकता क्या कोई बात नहीं पूजा हम अच्छे से ट्राई करेंगे आओ बच्चे हो सकते हैं वो भी दो दो जुड़वा फ्रॉड है ये बाबा बिल्कुल सही कह रही है जी हमारी मासूम सी बच्ची आप कब आए 20 फरवरी 1956 को बर्थडे नहीं पूछा आपका देखो अगर हम दादा बन रहे हैं तो आप भी तो नाना बन रहे हैं ना 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 चलो चलो मैं फ्रॉड यहाँ पे आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं ओ राजू ये बिट्टू ये विक्की ये डोनर ये सोनू की टीटू की स्वीटी ये सब मेरे ही ट्रीटमेंट से पैदा हुए हैं डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरा बच्चा नहीं हो सकता अरे मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को छोटे छोटे कंपाउंडर दिए हैं देखिए हमें दो नहीं हमें एक एक कंपाउंडर चाहिए मेरा मतलब है बच्चा चाहिए एक ना बेटी अरे जो बच्चा पैदा हो नहीं सकता उसको पैदा करने में तुले हैं लोग अरे समझाना अपने घर वालों को अरे मैं भी परेशान हूँ इन सब से यार कोई अच्छा परिवार मिले तो मैं खुद शिफ्ट हो जाऊँ पूजा पूजा अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो रोलर निकाल के मुंह धो लो मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं तुम्हारे भाई कर्मू की बात कर रही हूँ वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है उसे कहो ना मुझसे आके बात करे मुझसे मिले देखिए फूफी जान करम मेरा भाई तो है एक नंबर का लौंडियाबाज सॉरी फॉर माय लैंग्वेज लड़कीबाज है किसी को भी आई लव यू बोल देता है उसके आज भी 8-10 दफे मार्केट में घूम रहे हैं तुम नहीं समझोगी पूजा जो फ्रीलांसर होता है ना वो कभी यहाँ कभी वहाँ जाता है और जिसकी परमानेंट जॉब लग जाती है वही बस एक जगह टिका रहता है और वैसे भी किसी पठान ने कहा है कि जिसे आप शिद्दत से चाहते हैं उसे पूरी कायनात आपसे मिलाने में लग जाती हेलो एक सजेशन दूं क्या ये डायलॉग फिर से मत बोलना क्यों अगर शाहरुख ने सुन लिया ना नहीं मैं नहीं वो वाला असली सह नहीं पाएंगे मैं कुछ नहीं जानती तुम्हारा भाई अगर मुझसे नहीं मिला ना तो मैं बहुत सारा जहर खा के मर जाऊंगी अरे यार जैसे अतरंगी लोग तुम्हारे घर पे है ना उनको देखने के लिए टिकट लगाओ यार मैं समझ रहा हूँ लेकिन तू एक बार मिल ले यार कहीं सच में मरमुरा गई ना क्या नाम है वो सरदार का मथुरा वाला जीजा तुम्हारा स्माइली हाँ शर्म की बात है वैसे और उसकी और सकीना की शादी नहीं हो पाएगी स्माइली ब्रो तेरा ही पूजा के बिना मन नहीं लग रहा ना अरे नहीं मेरा तो लग रहा है सोना भाई का नहीं लग रहा बोल तो ऐसे रहो है जैसे तेरे कनपट्टी में बंदूक लग रखी हो कैसी बातें कर रही है यार सोना भाई बहुत ही हीरा आदमी है यार बहुत अच्छे इंसान है और तुझसे बहुत प्यार करते हैं क्यों सोना भाई पूजा जी अच्छा जे बताओ आप हैं कहाँ हाय सोना जी आई एम गुड जस्ट होल्ड होल्ड ऑन हेलो करमू
तुम कहाँ पहुँचे? हाँ जुमानी, पप्पू के परांठे पे पहुँचो, ऑर्डर करो, आ रहा जी। क्या बोल रहे थे आप? अब जे बताओ, मिल कब रही हो? वो मैं आजकल बिजी चल रही हूँ, मैं मिलती हूँ आराम से। चल करो आप थोड़ा सा। आज मिलना पड़ेगा। मैं नहीं मिल सकती। पूजा जी देखो, आधे घंटे में जे नहीं आया तो इस्माइली की लाश का पार्सल कहाँ भिजवाना जे बता देना। मार दो से। क्या बोल रही है? मेरा मतलब फोन दो से। स्पीकर पे है? स्पीकर पे ही है, बोल बोल। लोकेशन भेज रही हूँ, मिलते हैं। भेज रही है। दोनों को साथ में कैसे मिलूं? मर गो। पूजा दीदी यहाँ। ये क्या तरीका किसको बुलाने का? एक मासूम से सरदार को डरा धमका के रखा हुआ है। हाँ दीदी, I'm deeply hurt. Shut up. ऐसे बुलाता है कोई शादी के लिए? जे मोबाइल का कितना वजन है आपका? 250-300 ग्राम। तो उठाती क्यों नहीं हो? देखो पूजा जी, आप ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो कि आपके बिना जी नहीं पाएंगे हम? नेवर। अब जीना मरना तेरे संग, जीना तेरी गली में, और जिए तो जिए कैसे? जीने के हैं 4 दिन। अंताक्षरी चल रही है यहाँ पर, दीवाने परवाने खुराने। कितनी बार गई है, मेरी शादी फिक्स हो गई है उस लड़के के साथ। ऐसे करता क्या है लड़का? मुझसे बहुत प्यार करता है। पर्सनली नहीं पूछ रहे, प्रोफेशनली पूछ रहे। वो CBI में है। डरे ना? मैं भी डर गई थी उस रात। CBI मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर है। तो फुल फॉर्म बतानी चाहिए ना जी। करेक्ट करेक्ट। बहुत गर्मी है यहाँ पर, इसी नॉट वर्किंग। मैं तो डिप्रेस हो गई। मुझे ना बहुत जोर से टॉयलेट जाना है। दीदी अब जाओ, क्या पता मेरी यही निकल जाए, है ना? हेलो, पप्पू के ढाबे पहुंच गई तुम? अरे 7-8 पराठे खा लिए, बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मैं उसके पास वाले कैफे में हूँ, आ जाओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, 2 मिनट। ये जेंट्स टॉयलेट है, लेडीज उधर है। सॉरी। क्या लग रही हूँ? ये क्या लगा रखा तुमने? कोई तरीका? नहीं जाओगे तो सुसाइड कर लूंगी। जिस घर में हमारी बहन गई है उसका भाई भी चाहिए तुम्हें। एक काम करो, बाप को भी खरीद लो और खानदान खत्म कर दो हमारा। तुम्हारा बाप? वो तो मुफ्त में भी महंगा है। मुझे तो तुम चाहिए। मुझे तुम नहीं चाहिए। मैं लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, नाम उसका परी है, आई लव हर सो मच। ऐसे मत रो, मुझे हंसी आ जाएगी। मुझ में क्या कमी है? वो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। इस जगह में फिलहाल कमी है, जहाँ बुलाया था वहाँ चलो। चलो चलो चलो। नहीं मुझे नहीं जाना पप्पू के पराठे खाने। यहाँ देखो ना, सब हमारे जैसे यंग हैं। यंग? मेरे टॉयलेट का टाइम हो गया है? टॉयलेट का भी कैसे टाइम हो गया? अरे कोई स्विगी जोमैटो ना आए कि ऑर्डर पे आएगा? आएगा तो आएगा। अरे तू कल से नहीं जाना ना? कल का ही है जो आज आ रहा है। फोन काट दो। One orange, उस टेबल पर। Sure ma'am. देखो मेरा काम था 2 प्यार करने वालों को मिलवाना, मैं चलता हूँ। ओके दीदी, आगे बढ़ो। भाई दीदी। पूजा जी जे दिल पे हाथ क्यों धर रखा आपने? आपने इतनी चोट पहुंचाई है कि इस साइड वाले दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा जी। मैम आपका ऑरेंज जूस। मैंने फ्रूट मांगा था, तुम जूस निकाल के ले आए हो। ये भी हेल्दी होता है मैडम। कम ऑन, तुम डाइटिशियन हो? मैडम जो बोल रही है वो लेके आओ। चलो आओ। पूजा जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी। देखो हमारी नहीं, कम से कम हमारे बच्चों की तो सोचो, बिना मांग के कैसे जिएंगे? अब प्यार 1-2 घंटे का होता तो मैनेज करके मैं खुद ही धोखा दे देती। बचपन का प्यार है। बचपन? डॉक्टर खेलते थे साथ में, समझते हैं डॉक्टर। मैम ऑरेंज आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, आप कहें तो तरबूज ले आऊं। तरबूज? कुछ छोटा नहीं है मैम। अंगूर? इतना छोटी सोच। बस केला है। शट अप। आउट। केला?
टॉयलेट में। टॉयलेट जाना है मुझे। देखो पूजा जी, 10 मिनट ज्यादा लगा के आना, पर पूरा करके आना। राधे राधे सोना जी। राधे राधे, बड़ी जल्दी आ गई हैं। आपने अचानक यहाँ? पूजा जी, हमारी शादी की बातें नहीं मान रही है तो हमने सोची एक लेडीज दूसरी लेडीज से बात करेगी, फर्क पड़ता है ना। पर पूजा जी है कहाँ? चलो चलो खड़े हो जाओ। वैसे भी खड़े होने वाला था। आंखें बंद करो। मैं ना कर रहा हूँ। अरे प्लीज करो। चलो। मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं घुटनों के बल बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करूं। अल्लाह पियो करम। किसी औरत को मर्द के सामने झुकना नहीं चाहिए। उठो। क्या? अरे क्या पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे प्यार में। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं किसी क्लाइंट के साथ हूँ, ड्यूटी पे। जी, ड्यूटी सही से करियो, ऐसा ना हो जा काम से भी निकाल दिया जाओ। हेलो, किसका था? अच्छा, मेरे टॉयलेट का टाइम हो गया है। फिर से? हाँ। अरे अब इस जमुना नदी में आप दोनों ने 3 डुबकियां लगा ली। अब हाथ पकड़ो, मेरा नहीं अपनी पत्नी का पकड़ो। अब ऊपर वाले का नाम लो और जाओ, कामयाबी मिलेगी। ठीक है ना? ध्यान से। अबू जान, ये आगरा से मथुरा डुबकी शुबकी मरवाने क्यों लेके आया? घर के चिराग के लिए। कौन से चिराग के लिए? पूजा, 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 भाभी, जान, पूजा, ओए बाबा, बाबा, पूजा, पूजा किधर? अरे पूजा डूब गई, पूजा, हमारी बेटी डूब गई, पूजा बंद कर, पूजा बंद कर, पूजा कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, हमारी बेटी डूब गई, अबे अबे अबे, पूजा कहाँ गई? मार दो पूजा को, मार दो। एक बच्चे के चक्कर में इन लोगों ने हमारी बच्ची की जान ले ली। हमारी एक ही बेटी थी, दूसरी भी कर लेते, लेकिन एक दुष्ट सूरपनखा ने हमारी प्लानिंग खत्म कर दी। अम्मी, दुष्ट सूरपनखा कौन है? देवियों, सज्जनों, हजरात, खवातीनों, इन सवातीनों ने हमारी मौड़ी को मर्डर कर डालो। बचा नहीं पाए पूजा। देखिए, ये जो भी कुछ हुआ है अनजाने में हुआ है, पूजा के जाने का काम हमको भी है। झूठ बोला बुढ़ाओ। बेल्ट लेकर क्यों आ रहा है? हो सकता है बहन की मरने खबर सुनी हो तो पहनना भूल गया हो। किसने बोला था मेरी बहन को बच्चा करने को? माने आप चाहते कि मैं उसका नाम बता दूं? जाने दीजिए, वो जो भी है, बेल्ट बड़ा है, दिल भी बड़ा करके माफ कर दीजिए। बहू की रूह को सुकून मिलेगा। बहू, यही प्रॉब्लम है। बेटी माना होता तो ये दिन देखने को ना मिलता। कौन लेके गया था बाबा के यहाँ? कहाँ है तुम्हारे घर की स्वप्न सुंदरी? स्वप्न सुंदरी? ऐसा तो पूरे खानदान में कोई नहीं है। अबे तुम्हारी फुफी। फुफी बोल रही?
तुम ही लेके गई थी ना बाबा के यहाँ। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ, पूजा को मैंने हमेशा अपनी बड़ी बहन समझा है और उसकी मदद की। लेके जाओ रे इस औरत को। मैं लेडीज पे हाथ नहीं उठाता। बेल्ट से तो मार ही सकते हो। मखत पिटेगा मुझसे? कर्मू तुम तो कह रहे थे कि तुम कभी अपनी बहन से बात ही नहीं करते और आज अचानक प्यार कहाँ से आ गया? सोच रहा था आज बात होगी पर बात शुरू होने से पहले बहन खत्म हो गई। अब तुम लोगों ने जमुना में डुबो के मार डाला मेरी बहन को। बहन के टको तुम जैसो पर आते हैं क्राइम पेट्रोल के एपिसोड, बहु दहेज बच्चा हत्या और अब आएगी एक वेब सीरीज बहन की मौत का बदला। भाई ने ससुराल वालों को बेल्ट से पीट पीट के मार डाला और हवेली में लगाई आग। आगरा थाने में कर दिया सरेंडर। ओ, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना। अबे ओ, मैं तुझे कुछ समझता ही नहीं। ये देखो यही दिक्कत है, ये साले और मसालों को जितना मुंह पे लगाओ उतनी तकलीफ देते हैं। अबे पिज्जा गरम और जीजा जितना ठंडा हो उतना ही अच्छा लगता है। हाय लेना देना बैंक से, मैं टाइगर पांडे जी। पूजा जी का घर जाइए जाइए। पूजा खत्म हो गई? खत्म हो गई? नहीं नहीं वो पूजा नहीं, पूजा जी की बात करो। 36-24-36 गठीला बदन कहाँ है? इतिया एक मरी औरत की फिगर की बात करते शर्म ना ही तो है। मरी हुई औरत? पूजा मर गई? ये है मेरी पूजा, कितनी खूबसूरत, मुझसे मिलने से पहले मर गई। कैसे? बच्चा पैदा करने के चक्कर में। बच्चा पैदा करने के चक्कर में? कह दो कि ये झूठ है, नहीं कह दो कि पूजा नहीं मर सकती। सोना भाई, सोना भाई है? अरे सोना भाई मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। पूजा का नंबर यहीं से ट्रेस हो रहा है। जहाँ से? अरे यहाँ से भाई, यहाँ से। मैं सारी बीबियां जहीं से चो निकल लेंगी। हाँ ठीक है बकरू है। आभा जे पूजा जी जहाँ का कर रही थी? पूछ तो ऐसे रहा है जैसे कोई पता ही नहीं, तू ही पड़ा था ना मेरी बहू के पीछे। पूजा जा घर की बहू है? सोना भाई जिसे कोई गाली नहीं दे उसे पूजा दे दी डायरेक्ट जाइए। ओ बदतमीज फूफा, तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरी बहू ने जान दे दी। जान दे दी? अंगूठी को क्या करेंगे हम जिसे पहनने वाली उंगली नहीं रही। सोना भाई पूजा का फोन चल लो है। तो पूजा तो मर गई ना? हाँ तो पूजा डेड है, फोन थोड़ी डेड है। अरे मेरा मतलब चल लो मतलब चल रहा है। वाकिंग वाकिंग दिखाइयो। अच्छा भाई कहाँ था यार तू, परियाद शादी कर रही है? अरे दिमाग खराब ना कर, अंदर पहले बहुत मदद समझ चुकी। सच में शादी कर रही है वो? सारी किस्मत देख रहा है, परी शादी कर रही है। हाँ भाई कर रही है और आज ही कर रही है। तू चल मेरे साथ यार, क्या कर रहा है? शादी कर रही हो? हाँ शादी कर रही हूँ, इसे चले जाओ यहाँ से। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? क्यों कौन हो तुम हमें जो हम तुमसे पूछ के शादी करें? तुम्हारा करम थे अब नहीं हो, और जाओ ना उसी औरत के साथ जिसके साथ थे तुम। उसकी उम्र देखिए करम, यूर अ क्रीप। वो जुमानी, अरे यार वो बहुत लंबी बज रहा, समझा के समझाता हूँ। सुनो तो, बहुत सुना है और नहीं सुनना। प्यार करता हूँ तुमसे। मत करो प्लीज। नाउ इट्स ऑल अबाउट माय फैमिली एंड माय लाइफ। बधाई हो श्रीवास्तव साहब, लड़की की शादी कनक से। खाना खा लिया? खाना खा लिया, बहुत स्वादिष्ट खाना है। थैंक यू। लिफाफा यहाँ देना है, आइए बताता हूँ।
छुआते मैं मर जावांगी, मैं मर जावांगी, जो तूने सोचा भी नहीं होगा कर ले कि मैं वो कर जावांगी, ते मैं मर जावांगी। ये सोच सोच के परेशान हूँ कि बच्चे के चक्कर में तो मेरी बहू पानी में डूब गई है, लेकिन ये तो यहाँ जलपरी बन के नाच रही है। मैंने तेरे दिल में घर है बनाया, बुरा होगा और कोई रहने जो आया, नाम तेरा मेरा लिखा दिल की दीवारों पे, मैंने इसे तेरे लिए ख्वाबों से सजाया। मैं मर जावांगी, जो तूने सोचा भी नहीं होगा कर ले कि मैं वो कर जावांगी, मैं मर जावांगी, जे मैनू पता चला तेनू किसी घर ने छुआ ते मैं मर जावांगी, कि मैं मर जा इतना बड़ा धोखा समझ के लाए थे शिल्पा शेट्टी, निकला सुनील शेट्टी। अब याद आया तुम्हारे दादाजी ने दीवार पे क्यों लिखा था बहू लड़का। दादाजी सब देख दाग के मरे। या अल्लाह, आगरा में तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिला? अबे दूसरे तुम्हें हो, पहले हम भाई साहब बार में आई दारू की हर बोतल खोल के चेक करी हमने, बस ये नहीं कर पाए। मतलब मैं अपनी माँ के आंख के ऑपरेशन के पैसे जा पे लगाए, इन्होंने तो वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, और छोटी बहन पूरा का पूरा जेंडर ही बदल दिया इन्होंने तो। मतलब इस दुनिया में पूजा कोई है ही नहीं, सिर्फ करम ही करम है। मुझे तो शाहरुख की चिंता हो रही है ये फिर डिप्रेशन में ना चला जाए। कोई डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा मैं, और मैं पहले भी नहीं था। करम ही पूजा है और पूजा ही करम है। और ये बात मुझे पहले से मालूम थी। तुम्हें पता था? तो मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों बताता, इसको लड़का ही चाहिए था। जी सब क्या है करम, क्यों? ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारे करम ने तुम्हें पाने के लिए क्या क्या किया। अब तक पैसे जोड़ रहा हूं, करम से पूजा बना और आज पूजा से वापस करम। और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों किया है, इनकी शर्तें पूरी करने के लिए, पर साली कर नहीं पाया। एक घर, एक जॉब, 25-30 लाख रुपए बैंक में, वो भी 6 महीने के अंदर। अरे हम मिडिल क्लास लोग 6 महीने में 25-30 लाख खर्च नहीं कर पाते, कमाएंगे कहां से? नहीं पूरी कर पाया आपकी शर्तें, पर दुख इस बात का नहीं है। दुख तो साला इस बात का है कि जिस प्यार को पाने के लिए मैंने अपना पुलिंग स्त्रीलिंग बुला दिया,
उसने किसी और से शादी करने से पहले एक बारी भी ना सोची। वकील होने का मतलब ये ना है कि अपने ही प्यार पे शक करने लगो। सिर्फ एक बार की बात होती ना तो कभी ना करती। कई बार देखा है और फिर उस दिन उस जुमानी के गले लगते हुए देखा, रेड रोज आते हुए देखा, तो हम आओ शक यकीन में बदल गए। जय तो साली अपनी किस्मत ही खराब चल रही है। बोलते कुछ और हैं, लोगों को सुनाई कुछ और देता है। परी जी, आंखों देखी और कानों सुनी हर बात सचनाएं होती है। कि जो नौटंकी का खेला खेला है ना, बस अपना प्यार पाने के लिए खेला है। अबे जे प्यार पाने के लिए लड़की कौन बनता है? अरे जो बनना था बनता, हमारे घर की बहू क्यों बना? रणबीर सिंह को घाघरे में मैंने यूं पहचान लिया था, इसको मैं नहीं पहचान पाया। प्यार के नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड, जिंदगी में एक ही बार भयो। अच्छा जी, तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है? अगर पता होता अपने बच्चों को इतना प्यार करते, उनको माँ की कमी महसूस ना होने देते। लेकिन तुम्हें तो उनकी माँ के नाम पर खुद के लिए मासूका चाहिए। जुमानी जी, रिश्तों को ना किश्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए। समय समय पर किस्त भरते रहे, नहीं तो ब्रेकअप का नोटिस आ जाता है। अबे ओ लेना देना बैंक, तुम्हारा गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। किसी गरीब का भी लोन माफ मत करना। लेकिन खूबसूरत लड़की प्यार से दो बातें क्या कर ले, उसका लोन अपने जेब से भर दोगे उन पैसों से जिनसे अपनी माँ का ऑपरेशन करवाना। लानत है। चौकिया, भाभी जान, भाभी जान नहीं, भाभी को भाभी मान। मान लिया सलीम साहब। तीन तीन चार चार साल हम वेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चा कुछ बोले, और जब बच्चा बोलना शुरू करता है उसकी सुनते नहीं। भाई, लव इज लव, लव लव लव, और हमारे लव के फादर साहब। अंकल जी, मैंने आज तक जो कुछ किया है ना, लव के लिए किया है। परी के लव के लिए, पापा के लव के लिए, अपने दोस्त के लव के लिए, पर कामयाब नहीं हुआ। तो ना आप गलत हैं, ना परी गलत है, मैं गलत हो सकता हूँ। करम, मुझे लगा तुम्हारे और जुमानी के बीच अफेयर चल रहा था। मुझे लगा तुम मुझे सॉरी बोलोगे, मुझे लगा तुम मुझे कॉल करोगे, मुझे लगा तुम मुझे मिलने आओगे, मुझे लगा तुम मुझ पर चीट कर रहे हो, मुझे लगा ये, मुझे लगा वो, इस मुझे लगा ने ना पूरी दुनिया की लगा के रखी हुई। अगर रिश्ते में कभी डाउट हो ना, तो आमने सामने आकर डाउट क्लियर करना चाहिए। रिश्तों की उम्र लंबी हो जाती है। इसलिए परी जी, अगर आपको लगता है कि आप इन भाई साहब के साथ ज्यादा खुश रहेंगी तो रहिए। वैसे भी मैं इस दुनिया का पहला लड़का तो हूं नहीं जिसकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो रही हो। और अंकल जी, हम जैसे प्यार करने वालों को ना कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जरूरत आने पर पता नहीं है छोटे लोग क्या कर जाए। मजा ना आया। मजा तो नहीं आया। तो भी दही बड़े पसंद नहीं आएगा? ये तो वही गानों बज रहे हो सेम टू सेम। पर अंकल, ये लोग बाय रोड क्यों नहीं आए? बेटा जी, तो उनसे ही पूछ रहे हैं। तो करम, ए करम, ओए
पे शक किया। I'm sorry. अच्छा सुनो, तुम सबकी ड्रीम गर्ल बनती हो, मेरी नहीं बनोगी? अरे देखा तूने मुझे जब हंस के, तेरी हंसी में रह गया फंस के, बिना बुझे मेरा दिल है चुराया, अब हाथ पकड़ ले तू कस के। हाँ दिल मेरा मुझसे झगड़ के, एक तेरे लिए जोर जोर धड़के, मुझको ही भूल गया है, एक तेरे इश्क में बढ़ के, पर मैं हूँ तेरे साथ में, प्यार की बरसात में, ओ मैं हूँ तेरे साथ में, प्यार की बरसात में, ओ तू छूने तो धड़का भी नाचे, डिंग डांग डिंग 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 डिंग, तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रा, मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रा रिंग, सजनी दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रा रिंग, मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रा रिंग, तू मेरी ड्रीम गर्ल बन जा रे, I'm searching for your love, मेरी जान चली ना जाए, I'm searching for your love, तू मेरी ड्रीम गर्ल बन जा रे, I'm searching for your love, मेरी जान चली ना जाए, I'm searching for your love. For your love, oh, meri jaan chali na jaye, I'm searching for your love.